Smmit and conference गुड़ा ओके माने जनवरी फर्स्ट रु आमर अक्टूबर फर्स्ट पर्यंत ही आमे निया हिछि सतो कहले मु आमे जो करंट अफेयर्स गुड़ा डिस्कशन कर छथि एटा जनवरी फर्स्ट रु अपनकर अक्टूबर फर्स्ट पर्यंत ओके कोन पने सेति कि जा हवा कथा सेति कि भीतर ही क्वेश्चन आसीबो तो बाकी सब तो आसीबा चांस नाही विशेष भाबरे तो अपनकर सुमित कॉन्फ्रेंसेस कोन कोन हेतिला कोन कोन टॉपिक थिला ताकू फास्ट देखिबा तापर रेस्ट अप हां आ गोटे भी काली भी जेमती कहितली सेमती आज भी कहूची आपन को जो गुडा हमर माने मेनली जो गुडा आप माने कोन मिक्स अप हेकी अछि जो इशू गुडा ओके जो गुडा हमें जेमती देखले एनवायरमेंट रे भी देखले लोकेशन रे भी देखले से गुडा वन टाइम डिस्कशन हेले से गुडा को करिबानी आपन से गुडा निजे मैनेज कर देबे ओके तो सुमित कॉन्फ्रेंस रे हमें फास्ट जदी कहिबा आपन को अच्छा फर्स्ट स्टार्ट करिबा सेटा तो मु चाहु नथि सेटा डिस्कशन करिया पे तथापि तो हमें कर देबा सेटा को सेटा होची आपन को नेशनल यूथ फेस्टिवल ओके आपन को एथरो आपन को 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल हितला नेशनल यूथ फेस्टिवल ओके आपन को फेस्टिवल हितला एटा कोटी हितला लोकेशन ता आपन को जानिबार अछि नहले किछ नै अदरवाइज एटा रेगुलरली होची आपन को नेशनल यूथ फेस्टिवल आपन को जदि कहिबा जनवरी 12 रे आपन को एथरो हितला ओके माने मेनली एटा आपन को कोथि पई करा जाय नेशनल यूथ फेस्टिवल मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद ओके स्वामी विवेकानंद को जो बर्थ एनिवर्सरी जनवरी 12 लिख दी था तो जनवरी 12 को कमेमोरेट करिया पई बा बने रखिबा पई हमें कोन करती ए डेट को हमें सेलिब्रेट करती 25th सॉरी आपन को नेशनल यूथ फेस्टिवल ओके जनवरी 12 रे हुए दिस ईयर अमर पोंडिचेरी रे हितला बा पुडुचेरी सॉरी पोंडिचेरी कहले पुडुचेरी ओके आपन को पुडुचेरी रे आपन को हितला ओके याकु मन रखो तो नेशनल यूथ फेस्टिवल आपन को सेलिब्रेट एथि पई करा जाय जे आपन को स्वामी विवेकानंद को जन्म तिथि को ओके स्वामी आपन को विवेकानंद आमे जान छथि यूथ कहिला आगो तांको नाटा ही असे इंडिया रो एमति के यूथ नथिबे जे कोन पाइना तांकर बहुत यूथ स्टेज रे भी तांको डेथ हेतला से आपनकर बहुत एज रे ही नथिला खूब कम एज रे आपनकर जदि कहिबा इंडिया को से इंटरनेशनल फोरम रे रिप्रेजेंट करितले ओके ये तहला तांकर किछि अवदार एमति भी आपनकर जदि कहिबा हिंदुइज्म प्रति बा इंडिया प्रति आपनकर जदि पर्टिकुलरली जदि कहिबा से तो एमति भी आपनकर फनाटिक हिंदू आपनकर नथिले ओके किंतु आपनकर इंडियन नेशनलिज्म प्रति तांकर अवदान बहुत आमे जदि तांको समान कंट्रीब्यूशन काकू कहबा से राजा राममोहन राय को कथा कहि परबा अदरवाइज आपनकर सोशल रिफॉर्म रिलीजियस रिफॉर्म कथा किबा आपनकर यूथ मान को इंस्पायर करबा कथा स्वामी विवेकानंद को रही आसे तांकर बर्थ एनिवर्सरी जनवरी 12 को नेशनल यूथ फेस्टिवल आपनकर भाबरे सेलिब्रेट करा जाय आपनकर जोटा को आमे जानछथि तो 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल आपनकर एथरो पुडुचेरी रहितला ओके ये आपन को गोटे सुमित कॉन्फ्रेंस आपन फेस्टिवल जा इत्यादि सब कहि पारोते सेकंड आ गोटे इशू होला आपन को जदि कहबा हैदराबाद डिक्लेरेशन या ऊपर हमें डिस्कशन करितिले ओके हैदराबाद डिक्लेरेशन ए वर्ष पई तो मोस्ट इंपोर्टेंट अछि मन रखिबे निहाते मन रखिबे एटा हैदराबाद डिक्लेरेशन आपन को कहा सहित रिलेटेड ओके माने क्लाइमेट चेंज ई गवर्नेंस वुमेन एम्पावरमेंट कोविड बा कहा सहित रिलेटेड इटा आपनकर क्वेश्चन आसी पारे ओके मेनली आपनकर जदि कहबा ए जो हमर डीओपीटी अछि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म पब्लिक ग्रेवियंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन जे कि आपनकर जदि कहबा सब अपॉइंटमेंट रिलेटेड किबा यूपीएससी रिलेटेड एसएससी रिलेटेड मैटर गुडा को हैंडल करोती सेई मिनिस्ट्री आपनकर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशंस ओके आउ गोटे मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी ए दीटा मिनिस्ट्री ऑफ कोलैबोरेशन रे आपनकर हैदराबाद रे जो समिट हेतला तार फाइनल रिजल्ट को ही हैदराबाद डिक्लेरेशन बोली कह जाय आपन लिखि दे थन सेटा को आपनकर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशंस ओके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशंस आउ हला आपनकर मिनिस्ट्री ऑफ आई एटा कोन कह जाय आईटीवाई ओके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी ए दीटा मिनिस्ट्री ऑफ कोलैबोरेशन रे हेतला मेनली जदि हमें कहबा यार सब्जेक्ट मैटर कोन थिला ई गवर्नेंस ऊपर थिला हैदराबाद डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विथ ई गवर्नेंस ओके ई गवर्नेंस हां आ गोटे कथा जो माने ए वर्ष एग्जाम दउ नहती ओके जो माने नेक्स्ट किंबा
ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବି ଏକ୍ସାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁ ବୋଲି, ସେଟା ବହୁତ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ସେତେ ଭଲ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନା ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ନୁହଁ ଲାଇଫ ସହିତ। ଲାଇଫଟା କ'ଣ ଏମିତି ହିଁ ସାର ଦେବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲା ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି କହୁଛେ, ଆପଣ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ଦେଖିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ପେପର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ପେପର ଟୁ ରେ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ ଅଛି ସିଲାବସରେ। ଓକେ, ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ କଥା କହୁଛି, ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ପଢିବେ, ୟୁପିଏସସି ର ଫେଭରାଇଟ୍ ଟପିକ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେବେ ବି ଆପଣ 2022ରେ ଏତିକିଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ୟୁପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରୁ ହିଁ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକେଇବେ ଆପଣଙ୍କ। ଓକେ, ତ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଟପିକ ନିହାତି ପଢିବେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ଓକେ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦୁଇଟା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ପର୍ସନାଲ ପବ୍ଲିକ ଗାଇଭାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ସ, ଆଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଫରମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଓକେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ଥିମ୍ଟା ବି ଲେଖିଦେବା ଆପଣଙ୍କର, ଏମିତି ବି ଥିମ୍ ଗୁଡା ବି ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରି ଦେଉଛି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଥିମ୍ଟା ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଟେକେଡ୍ ଡିଜିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡେମିକ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଓକେ, ଥିମ୍ ଗୁଡା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଟା ବହୁତ ହି ନ୍ୟୁଜରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଡିକ୍ଲାରେସନ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସହିତ ଜଡିତ, ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର। ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଥିମ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଟେକେଡ୍, ଓକେ ଟେକେଡ୍, ସେଟା କ'ଣ କହନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଡିଜିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡେମିକ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଇନ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡେମିକ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, କୋଭିଡ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡାକୁ ଆହୁରି ଆସେଲେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ ଆସେଲେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା ଯୋଉଟା ହେଲା ସେଟା ହଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଡିକ୍ଲାରେସନ। ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଥିଲା ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ସମିଟ 2022, ଓକେ ତିନିରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ସମିଟ, ଡିଜିଟାଲ ସମିଟ, ଓକେ 2022, ଓକେ 2022। ଏଇଟା ମେନଲି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା 16th ଏଡିସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ସମିଟ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜ କିଏ କରିଥିଲେ, ଓକେ ସିଏ ଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇଟି ହେଇପାରେ, କନଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ହେଇପାରେ, ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଇପାରେ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି ତାଙ୍କ ଯାହା ମୁଡ଼ରେ ଆସିପାରେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯୋଉ ବଡି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜ କରେ ୟାକୁ, ଓକେ ତାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମରେ ସେଟା ଆସିପାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ସମିଟ 2022, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଦର ଗୁଡ଼ା ବି। ଏଇଟା ହଉଛି 16th ଏଡିସନଟା, ଓକେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 16 ବର୍ଷ ଧରିକି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କହିପାରିବେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆର ଆଇଟି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେତେ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଡାଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ଆଇଟି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେତେ? କେତେ କିଏ କହିପାରିବେ? ଆଟଲିଷ୍ଟ କାହା ପାଖରେ ତ ଫିବର କେହି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନ, ସମସ୍ତେ ତ, ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା, ତଥାପି କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ କ'ଣ, ଏଟା ତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର। କେତେ ଆଭରେଜ ଏରାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଯଦି କହିପାରିବେ, ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ଆଇଟି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ଖୋଜନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଓକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୋର କହିବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁଟା ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ସତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ 229.5 ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଫିଗରଟା ଆପଣଙ୍କର, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲ ଯଦି କହିବା 229.05 ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ବିଲିୟନ, ଓକେ ବିଲିୟନ ୟୁଏସ୍ ଡଲାର, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଗୁଡା ଥିଲା,
ओके से डिजिटल आपन को जदि कहबा डिजिटल आईटी उपरे अधिक गुरुत्व देवा कथा को तो विभिन्न प्रकार इंडिया डिजिटल सबमिट कथा को तो जार रिजल्ट हला सैया आज हमें केते परिमाण रे एक्सपोर्ट करचोती माने जदि कहबा माने आईटी रे ओके आपन को आईटी एक्सपोर्ट केते परिमाण रे बढ़ि जायछे हां किछि कोते आपन को जे चाइनीज सब हमें इंपोर्ट करचोती हार्डवेयर सब इत्यादि निश्चित आउरे कि सेगुडा को यूटिलाइज करी कि हमें केते परिमाण रे आईटी हमें सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करचोती किबा अदर आईटी ईएस आपन को आईटी रिलेटेड सर्विस सब एक्सपोर्ट करचोती सेटा होचे आपन को कथा ओके जानो तो इंडिया डिजिटल समिट आपन को जे ऑर्गेनाइज करे से होचे आईएएमएआई आईएएमएआई ओके आईएएमएआई कोन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ओके इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ओके एसोसिएशन ऑफ इंडिया माने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अपनकर इंडिया डिजिटल समिट ऑर्गेनाइज करे ओके अच्छा नेक्स्ट जीवा अपनकर अच्छा आ गोटे कथा आपनकर 2022 रे जनवरी रे पर्टिकुलरली कहबा गोटे प्रथम तर पे गोटे नुवा प्रकार गोटे मीटिंग दे हला ओके माने इंटरनेशनल अफेयर्स रो ओके गोटे नुवा प्रकार आपनकर जदि कहबा माने ओके 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 जस्ट ठीक है एक्चुअली ओके अपन राकेश पचारथले ओके ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯେବେ ହେଲା ମିଟିଂଟା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ଚାଲିଥିଲା ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂଟା ଓକେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାର ଲୋକେସନର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଓକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା ସେଟାକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ନହେଲେ ସେମିତି କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଓକେ ସେତେବେଳେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଏତେ ଓପନ୍ ହେଇନଥିଲା ଏବେ ତ ହେବେ ମାନେ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ସେଟା ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂଟା ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ସମିଟ 2022 ଆପଣଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ସମିଟଟା ଥିଲା ଓକେ ରାକେଶ अच्छा अगेन तो नेक्स्ट हमें आगुटे देखिबा आपन फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट भी हितला ओके आपन कर फर्स्ट इंडिया और सेंट्रल एशिया समिट ओके इंडिया और सेंट्रल एशिया समिट आपन कर हितला मेनली आपन कर पचरा जाए क्वेश्चन एटा आसी पारे को कंट्री या को होस्ट करितला ओके आपन कर फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट माने जदि कहबा एटा भी सेमिति वर्चुअल थिला ओके एउडा सब वर्चुअल ए समय जति के प्राय जति के भी हला आपन फेब्रुअरी मार्च अप्रैल पर्यंत भी सब गुडा प्राय वर्चुअल मीटिंग ही होतला आपन तो ए जो मीटिंग दा फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट यार होस्ट थिला इंडिया ओके यार होस्टिंग करथिला इंडिया आज बहुत स्पीड रे चालू छि पेन दा ताको कंट्रोल करि होउनी ओके आपनको फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट आपनको होस्ट इंडिया थिला ओके एटा क्वेश्चन आसी पारे जेहेतु प्रथम दर पई हेतला सेति पई आपनको इम्पोर्टेंट नहले इम्पोर्टेंट हो अदरवाइज ओके फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट होस्ट थिला इंडिया अच्छा एबे आ गोटे क्वेश्चन एटा मु भाबु जे आपन माने सब कोतो आंसर त ओके रिलेटेड आपनको इंटरनेशनल अफेयर्स रो आ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटा कोन आपनको जदि कहबा 2022 रे ओके 2022 रे आपन ब्रिक्स जो हमर जदि कहबा ब्रिक्स नेशंस ओके ब्रिक्स अछि जो बी आर आई सी एस यार चेयर पर्सन कहाड़ को गला ओके यार चेयर के रहला एटा केते नंबर थिला आपन एटा 5 नंबर बदे नो ओके 2022 रे व्हिच कंट्री इज द चेयर ऑफ ब्रिक्स इन 2022 ओके अच्छा टाइम वेस्ट करबेनी चाइना यस आपनकर चाइना जदि कहबा चेयर आपनकर चाइना पाकु वाला ओके आपनकर हां 2022 रो थीम टा भी लिखि देथौ तो आपनकर ब्रिक्स जो समिट रो बा ब्रिक्स आपनकर थीम टा थिला फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उसर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ओके एते लंबा अछि माने एग्जाम रे आसी बन जानो तो से
ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ଆଚ୍ଛା ଫାଇଭ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିକ୍ସ ରେ ଅଛି, ଯଦି କହିବା ବ୍ରାଜିଲ, ରଷିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାଇନା ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଓକେ, ବ୍ରିକ୍ସ ନେସନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଏବେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଯଦି କହିବା ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ତ ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଅନ ସମିଟ 2022। ଓକେ, ଇ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତଥାପି ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଅନ। ଓକେ, ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଅନ ସମିଟ 2022। ଓକେ, ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଅନ ସମିଟ 2022 ର ହୋଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲା। ଓକେ, ଇଆର ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ କିଏ ସେଇଆ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ମେନଲି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ଆଫ୍ରିକାନ। ଆଚ୍ଛା ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଅନ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଟା କହିଲେ? ପଢୁଥିଲେ ହର୍ନ ଅଫ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢୁଥିଲେ ଏହା ବିଷୟରେ, ଆଉ ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଅନ ର ଆପଣଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହଉଛି ଆଦିସ ଆବାସ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏତିକି ହିଁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ, ଆଦିସ ଆବାସ ସେଇ ଜାନୁଆରୀରୁ ହିଁ ଆସିବ, କଣ ପାଇଁ ନା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ଯାହା ସେତିକି ହିଁ ଆସିବ, ଆଉ ତାଠୁ ହଁ ଆଉ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ତ ଜଣେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇପାରିବନି କେବେ ବି। ଓକେ, ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଅନ ସମିଟ ଇଥିଓପିଆର ଆଦିସ ଆବାସରେ ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଥିଓପିଆ ହୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ସେଇଟା। ଓକେ, ତ ଆଚ୍ଛା ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଅନ ର ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ହେଲେ 55। ଓକେ, 55 ଟୋଟାଲ ହଉଛନ୍ତି ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଅନ ର ମେମ୍ବର୍ସ ଆପଣଙ୍କର 55 ଆପଣ ଯଦି କହିବା। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଚ୍ଛା ୱାନ୍ ଓସେନ ସମିଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଓସେନ ସମିଟ। ଓକେ, ୱାନ୍ ଓସେନ ସମିଟ ମେନଲି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା, ୟେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା, ତ ମେନଲି ଇଏ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ୟୁଏନଓ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ର କୋପରେସନ ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଓକେ, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ର କୋପରେସନ ରେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସପୋର୍ଟେଡ ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇନିସିଏଟିଭ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଆମର ଯଦି କହିବା ମାନେ ଯୋଉ ଓପନ ଓସେନ କଥା, ସରି ୱାନ୍ ଓସେନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯୋଉ ଓପନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏନିଥିଙ୍ଗ କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାୟ ଆମର ଯଦି କହିବା ସବୁବେଳେ ଆମର ସପୋର୍ଟ କରେ। ତା ଛଡା ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ୱାନ୍ ଓସେନ ସମିଟରେ ୟା ମେନଲି କ୍ଲାଇମେଟ ରିଲେଟେଡ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା। ଓକେ, ଯାହା ବି ହଉ ୱାନ୍ ଓସେନ ସମିଟ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା ୟୁଏନଓ ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଆପଣଙ୍କର କୋଲାବୋରେସନରେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ, ସେଇଟା ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମିଟ। ଓକେ, ଏଇଟା କିଏ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା କହିଲେ? ୱାର୍ଲଡ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମିଟ କୋଉ କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ? ଓକେ, ଆଚ୍ଛା TERY, ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। ଓକେ, ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଟେରି, ଏଟାକୁ ଆପଣ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ଦ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ଟେରି ଲେଖି ଦଉଛି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଫୁଲ ଫର୍ମ ରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ରିସୋର୍ସେସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। ଓକେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ କରିଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କଥାଟା କଣ ହଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାର କଥାଟା ହଉଛି, ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, ୱାର୍ଲଡ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବମିଟ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଉଠୁଛି, ଓକେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ୱାର୍ଲଡ ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି କହିବା ଆପଣଙ୍କ UNDP ହେଲା କିମ୍ବା ୟୁଏନଓ ହେଲା, ସେମିତି ଯଦି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ସେମିତି ମାରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। UNDP ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି କନଫ୍ୟୁଜନ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କଣ ପାଇଁ ନା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ UNDP କଥା ଆସେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମିଟ ର ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା କିଏ ହୋଷ୍ଟ ଥିଲା କହିଲେ, ହୁଏତ ସେଇଟା କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମିଟ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଫିନଟେକ୍ ଓପନ ମାଉଥ। ଓକେ, ନାଁଟା ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କଣ ପାଇଁ ନଜର ବାଜିଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଫିନଟେକ୍। ଓକେ, ଓପନ ମନ୍ଥ, ଫିନଟେକ୍ ଓପନ ମନ୍ଥ, ଇଏ କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଇଟା? ମାନେ ଯଦି କହିବା ଫିନଟେକ୍ ଓପନ ମନ୍ଥ ଯୋଉଟା ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର
ମେନଲି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଯୋଉ ଫିନଟେକ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ବା ଫାଇନାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଫେସନାଲ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମେନଲି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ଓକେ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ମେନଲି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଓକେ ତ ଫିନଟେକ୍ ଓପନ୍ ମୋଦ ଯିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନୀତି ଆୟୋଗ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ବେଶେସ୍ ବିଶେଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଭାବରେ କହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ବାକି ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁଡା ଖାଲି ଶୁଣି ଦେଇଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିବ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଟା କଲଚରରେ ଆମେ କଭର କରିଥିଲେ ତାକୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଥର ବିଶେଷ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନଥିଲା ମାନେ କଣ କହିବା ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାନେ କରୋନା କାଳ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଗୁଡା ରେଗୁଲାରଲି ଆମର ହୁଏ ଯୋଉଗୁଡା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ସେଗୁଡା ଏବେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହଉନି ଯାହା ବି ହଉ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନୋଭେସନ କନକ୍ଲେଭ ଅନ୍ ଲୋ କାର୍ବନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ ଓକେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନୋଭେସନ ଇନୋଭେସନ କନକ୍ଲେଭ ଅନ୍ ଲୋ କାର୍ବନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ ଓକେ ୟାକୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନୋଭେସନ କନକ୍ଲେଭ ଅନ୍ ଲୋ କାର୍ବନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେଟା ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଇଫିସିଏନ୍ସି ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଇଫିସିଏନ୍ସି ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଓକେ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ୟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ୟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା ଖାଲି ସେତିକି ଆପଣ ବିଶେଷ ଦରକାର ନାହିଁ ବେଶୀ ଏଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆପଣ ଯୋଉଗୁଡା ରେଗୁଲାରଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁଥିଲା ଓକେ ସେଗୁଡା ଏବେ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ ନହେଲେ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ୱାର୍ଲଡ ସମିଟ ଗୁଡାକ ଏବେ ତ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହିଁ ହେଇନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏ ବର୍ଷ କଥା କହିବା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଆନୁଆଲ ସମିଟ 2022ରେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଓକେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଆନୁଆଲ ସମିଟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଜାପାନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଆନୁଆଲ ସମିଟ ହୁଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଆନୁଆଲ ସମିଟ ଏବେ ଏଥର କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଏଟା ବୋଧେ କହିପାରିବେ 2022ରେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଏଟା ମେନଲି ଓକେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା ଓକେ ଟୋକିଓ ନୁହଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଥିଲା ଓକେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କର 2022ର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ମିଟିଂ ପରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ମାନେ ଜାପାନ 5 ଯଦି କହିବା ଟ୍ରିଲିୟନ ୟେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲାର କରା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମୋଦି ଆପଣ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ୟେନ୍ ଓକେ ୟେନ୍ ରେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏରାଉଣ୍ଡ 3.2 ଲକ୍ଷ କ୍ରୋର ହବ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରାଇସ ରେ ନେକ୍ସଟ 5 ଇୟରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ସାଇନ ହେଇଥିଲା ଓକେ ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଲୋଜିକାଲ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଜିଓଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଲୋଜିକାଲ କଂଗ୍ରେସ ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଲୋଜିକାଲ କଂଗ୍ରେସ 2022ର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା ଓକେ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଥିଲା ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଜିଓଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଦର ଅପ୍ସନାଲ ଅର୍ ବିଏସ୍ସି କିମ୍ବା ଏମ୍ଏସ୍ସି ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇୟାର ଥିମ୍ ଯଦି କହିବା ଜିଓ ସାଇନ୍ସେସ ଦ ବାସିକ ସାଇନ୍ସ ଫର ଏ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଫ୍ୟୁଚର ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଥିମ୍ଟା ଥିଲା ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ପଚାରି ଦେଇପାରନ୍ତି ଏମାନେ ଥିମ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ସାଇନ୍ସେସ ଓକେ ଜିଓ ସାଇନ୍ସେସ ଦ ବାସିକ ସାଇନ୍ସ ଫର ସଷ୍ଟେନେବଲ ଫ୍ୟୁଚର ଦ ବାସିକ ସାଇନ୍ସ ଫର ସଷ୍ଟେନେବଲ ଫ୍ୟୁଚର ଓକେ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ମେନଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ ଜିଓଲୋଜିକାଲ କଂଗ୍ରେସ ଓକେ
এটা আমার যদি কহিবা এতিরে আমার মেইনলি আপনার সবু ইন্টারন্যাশনাল কইলে কো পুরা পৃথিবী সারা এতিরে ইনভলভ না হতি মেইনলি আমার ইট ইজ এ জয়েন্ট ইনিশিয়েটিভ অফ মিনিস্ট্রি অফ মাইন্স মিনিস্ট্রি অফ আর্থ সায়েন্স ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমি আপনার সায়েন্স একাডেমিজ অফ বাংলাদেশ নেপাল শ্রীলঙ্কা এইগুড়া হি সব আপনার এতিরে জড়ি হিকি অছন্তি অদারওয়াইজ বাকি সব নুহ ওকে তো আপনার যদি কহিবা এইগুড়া সব আপনার যোগ্য হিকি অছন্তি ওকে আচ্ছা নেক্সট দেখিবা আপনার আচ্ছা আপনার আউ গোটে বিমস্টেক সমিট কোটি হেতলা 13 রে বিমস্টেক বিমস্টেক টিইসি ওকে সমিট 2022 ইয়ে তো কোশ্চেন হই পারিবো আপনার মেইনলি কো কোন হেতলা বিমস্টেক জাস্ট ওকে শ্রীলঙ্কা ঠিক আছে ওকে শ্রীলঙ্কা এইটা বোধে কোশ্চেন আসছিল কি কোন এটা এএস এর আসছিল কি এটা কোশ্চেন আসছিল এটা এএস এর আসছিল বোধে এটা নো কি কে কই পারবে রাকেশ বোধে এক্সাম দিয়েছিল বিমস্টেক সাবমিট এটা আসছিল বোধে এক্সাম রে মতে লাগুছে মতে মনে পড়ুছে সেন্তি কোশ্চেনটা আসছিল আপনার মোশ কি খেয়াল করবি এটা এটা ও অলগা গোটে এক্সাম দিতলি স্টাফ সিলেকশন রে নাই মতে এএস এর বড়িয়া লাগুছে ওকে খেয়াল করবি এস ওরে বড়িয়া লাগুছি মতে যাহা বি আসিতলা কোশ্চেনটা তো বিমস্টেক সমিট বিমস্টেক কইলা আমি বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনোলজি টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন ফুল ফর্মটা কো ইয়ার মনে রাখি দিবে প্লিজ ফুল ফর্মটা বি বিমস্টেক রো পচার দউছি তো কোন পাইনা ইন্ডিয়া জেবে টু সার্ক আপনকো ডিক্লাইন ডিক্লাইন কলা ওকে মানে ইন্ডিয়া পাকিস্তান ভিতরে কনফ্লিক্ট হই কি আপনকো যদি কইবা সার্ক রো আও কিছু ভ্যালু রহিলা না সাউথ এশিয়ান আসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন ওকে পাকিস্তান সহ পার্টিকুলারলি যোগু আপনার তার কোনো গুরুত্ব যেতবে রহিলা না ইন্ডিয়ার ফোকসটা সেতবে বিমস্টেক আড়ক পড়েলা মিন্স বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন ওকে মেইনলি এ বর্ষ পাই আপনার যদি কইবা শ্রীলঙ্কা হোস্ট করিতলা বিমস্টেক আমি জানিছন্তি এস্টাবলিশড ইন 1997 ওকে মু যাহা গুড়া কহুছি না টিকে লিখি দিতাম বিমস্টেক আপনার 1997 রে আপনার ইয়ার ফাউন্ডেশন হেতলা ওকে মেইনলি সাতটা কান্ট্রি এত্রে অছন্তি কোশ্চেন বহুত থর আসিছি 7 মেম্বার স্টেট আপনার সাতটা মেম্বার ভিতর কিয়ে নুহ বলি কোশ্চেন আপনার আসিতিবা মেইনলি এত্রে যদি অছন্তি বাংলাদেশ মু বাং লিখি দউছি আপন দেশ অ্যাড করি দিও তারপরে আপনার ভুটান অছন্তি এত্রে ভুটান অছি ইন্ডিয়া ওকে ইন্ডিয়া তারপরে নেপাল ওকে শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা এসএল লিখি দউছি তারপরে হলা মিয়ানমার ওকে মিয়ানমার হেলা আউ গোটে হেলা আপনার থাইল্যান্ড এমানে অছন্তি মেইনলি ইন্ডিয়ার ফোকসটা না বিশেষ ভাবে আমি যদি দেখিবা সার্ক উপরে কোন পাইলে পাকিস্তান আপনার গোটে এমিতি সিয়ে আপনার যেবেঠু হেলা সিয়ে কোন তার লাগিছি পাতা নাই আপনার সেমানকু রহিবাকু দিয়া হেলা ভলরে নেইকি রহ সেমানে কোঅপারেশন মোটিভরে রহিলে না ওকে মু সেইথিপাইঁ কালি ক্লাসরে কহুথিলি আজি পর্যন্ত যেতিকি বি রিলিজন আধারে কন্ট্রি হিছ না সবুড়া ফেলড স্টেট গুলা রিলিজন কেবে বি আধার হবা কথা নয় সেটা হচ্ছে পার্সোনাল ম্যাটর ইয়ে কোন রিলিজন নব তাকু নিয়ে কি দেশ তৈরি করা যাব সেমতি কেবে বি হুয়ে ওকে আউ এবেকা রিসেন্টলি গ্লোবালাইজ ওয়ার্ল্ড রে তো রিলিজন র মানে কোনসি প্রকার নাহি কহিলে চলে চলে ওকে তো সেইতি ভাই আপনকর ইন্ডিয়ার ফোকাসটা সার্ক রো বিমস্টেক আড়কু চলে গেল আউ এবে বিমস্টেক কু নেকি সব হচ্ছে আমি তাকু মন রাখছতে ইয়া পূর্বর সার্ক রো সব পড়ুদিলে কিন্তু এবে সব আউ নাই ওকে আপনকো যাও সেটা মন রাখিবার নাই বিমস্টেক সামিট 2022 রে শ্রীলঙ্কা রে হেতলা 1997 রে আপনকর ফাউন্ডেশন হেতলা সাত জন মেম্বার বাংলাদেশ ভুটান ইন্ডিয়া নেপাল শ্রীলঙ্কা মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড আপনকর এতে কি মন রাখিবার আছে ওকে হ আর তারপরে আপনার যদি কহিবা কোশ্চেন যেমন রাকেশ সেতবে পচারে মানে হোস্ট সিটি কোটা লা হোস্ট সিটি কোটি নথিলা ভর্চুয়াল মিটিং লা ইয়ে বি সেমতি ওকে ইয়ে বি আপনার মানে এগুলা সব ভর্চুয়াল মিটিং লা কিন্তু হোস্টিং করুলে আপনার শ্রীলঙ্কা ওকে আচ্ছা সেমিতি আউ গোটে ইন্টারন্যাশনাল যদি কহিবা আপনার কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডিভার্সিটি বা সিবিডি ওকে আপনার লিখি দিও সিবিডি কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডিভার্সিটি পুরা পুরা ল্যাঙ্গুয়েজ রে আপন লিখতো মু লিখি পারুনি আপনকু পুরা লিখতো সিবিডি ওকে কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডিভার্সিটি ওকে 2022 কো সিটি একু হোস্টিং করতলা 2022 রে কো সিটি রে হেইতলা ওকে কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডিভার্সিটি
जेतबेला बैकग्राउंड गुडा कहुचे ट्राई करो तो टिके टिके लेखिबा पई ओके आपन को आमे जानचंती यूनाइटेड नेशंस रो एटा आपन को जदि कहबा कन्वेंशन ओके कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो 2022 रे यार होस्टिंग जदि कहबा बा होस्ट सिटी जे थिला जोटा से होची जेनेवा ओके जेनेवा रे लिखि देतो तो सेटा को जेनेवा ओके तो मेनली आपन को जदि ए जो सीबीडी टा कहबा एटा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आमे कहते ओके आपन को जदि कहबा या इनफॉर्मली एटा को आपन को कोन कहते एटा को बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन बोली कहते ओके इनफॉर्मली इट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ओके एटा गोटे मल्टीलैटरल ट्रीटी आपन को जदि कहबा मेनली साइन हेतला आर्ट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो इन 1992 ओके आपनकर कवरेज ओ एनवायरनमेंट भी लिखि दिथन तो आपनकर सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रो अर्थ समिट ओके अर्थ समिट कोठी हेतला 1992 रे ब्राजिल रो रियो डी आपनकर रियो एटा प्राय तो एग्जाम रे आसे मु सेति में याको बैकग्राउंड ता कहू छी जानेरो ओके रियो डी जानेरो रे आपनकर हेतला 1992 रे आ एथिरे मेनली आपनकर जदि कहबा ओके माने it is a key document regarding sustainable development of eta got a key document thila apankar convention on biological diversity okay and mainly it comes under UNEP okay cbd ta jota UNEP under ase UNEP means apankar united nations environment program okay ta under apankar ase okay आउ एटा ए जो ट्रीटी टा अपनकर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एटा मेनली अपनकर 1993 रे 1992 रे सिग्नेचर हैला 1993 रे अपनकर आसीला जदी कहबा माने कम इनटू फोर्स ओके अपनकर इंडिया भी याको रेटिफिकेशन करची इंडिया एज ए पार्टी प्रेजेंटली जदी हमें कहबा 196 कंट्रीज एयर पार्टी अछंती ओके आपनको जदी कहबा इंडिया 1994 रे रेटिफाई कला अच्छा मते कहले इंडिया रेटिफाई कला माने को दीटा मु ही कहू छी आपनको सुनतो खाली रेटिफाई करबा सिग्नेचर करबा माने हमर जो सरकार प्रतिनिधि जे जाई छथि सिए ताको सेठी का डॉक्यूमेंट रे साइन करले किंतु सेति किरे हे गला नाही इंडिया से नो इंडिया आपनको खाली सिग्नेचर कर देले पार्टी हे जीवनी ताको रेटिफिकेशन करियो पडियो माने को ताको आनि कि बिल भाबरे हमर पार्लियामेंट रे इंट्रोड्यूस करियो पडियो पार्लियामेंट रे राजी हेला पर जे कि सेटा रेटिफिकेशन हेला बोली हमें कहा जीवो बा भारत सरकार सेतिरे राजी हेले बोली कहा जीवो खाली सिग्नेचर कर देले तार कोनसी माने नाही ओके आपनकर या राजी हेला 1994 रे इंडिया रेटिफिकेशन कला लिखि दिथन तो सेगुडा मोर कथा सुनकि आपनकर आ या पोरे आमे जदि कहबा हमर इंडिया रे गोटे एक्ट भी पार हेला सेटा होची बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ओके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपनकर 2002 रे जदि कहबा यार आपनकर पार हेला बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट मेनली ए प्रोविजन गुडा को मेनली जो सीबीडी रो ताको इंप्लीमेंटेशन करिवार यार लक्ष्य थिला ओके आपनको जदि कहबा आ से प्रोविजन गुडा को इंप्लीमेंटेशन करिया पई बा ए बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी एक्ट रे जो कथा गुडा को आपनको से जो सीबीडी रो गुडा को लागू करिया पई जो कथा करा गला सेति पई गुडा स्टैट्यूटरी बॉडी भी आपनको तयार हेला सेटा होची नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ओके गुडा सब मोस्ट इंपोर्टेंट ओके एनवायरनमेंट पई तो नेशनल आपनको बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बा एनबीए जोटा को कहते ओके एनबीए आपनको 2003 रे याको आपन 2002 रे एक्ट पार हला बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2003 रे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आपन रे फाउंडेशन हला आ एटा स्टैट्यूटरी बॉडी ओके नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी आ सिता माने जदि कहबा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हिसाब रे ताको आपन को तयारी करा है छे ओके हां आ ए जो आपन को सीबीडी टा जोटा ना एटा लीगली बाइंडिंग दा ओके जो माने सिग्नेचर करछन तांको रेटिफिकेशन पर सेटा लीगली बाइंडिंग सेतरे जहा होबो आपनको सेटा करिवे आपनको पालन करिया को पडियो आ ई जो सीबीडी मेनली यार सेक्रेटरीएट बा हमें हेड क्वार्टर एचक्यू कहि परबा ओके मॉन्ट्रियल कनाडा रे अछि आपनको सेक्रेटरीएट लिखि देथौ तो ओके ओ सेइटा को ही हेड क्वार्टर को आ जाय मॉन्ट्रियल कनाडा कनाडा होछि यार आपनको हेड क्वार्टर मेनली यार पार्टी उडा भितरे आपनको कॉन्फ्रेंस वे जोटा को कॉप बोली कहा जाए सीओपी बा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोली कहा जाए आपन को ओके
तो मेनली अर्थ समिट रे यार ओरिजिन हेतला मु प्राय त हमें बैकग्राउंड टाकू डिस्कशन कर देले मेनली हमें जदि सीबीडी रो गोल गुडा को देखिबा यार मेनली तीनटा गोल फर्स्ट होची कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेकंड जदि कहबा सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेस एटा होची तीनटा मेन हमें प्राय डिस्कशन करथिले एनवायरमेंट क्लास रे ओके तो अबर प्रीलिम्स पई जति की दरकार हमें लिखि देछोते आमे जीवा नेक्स्ट को अच्छा आपन गो एबे आउटे डिस्कशन करिवा अच्छा आपन गो स्को विषय रे टिके डिस्कशन करिवा स्को मीटिंग आपन गो फ्रीक्वेंटली न्यूज रे थिला ओके आ सेटा इंपोर्टेंस भी बहुत थिला स्को मीटिंग रूसिया यूक्रेन वार को लेके आपन गो तो सेति पई स्को उपर टिके डिस्कशन करिवा स्को स्को मींस आपन को सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हम मु भाव छी समस्त जानिथिबे अच्छा सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रे केते जण मेंबर अछन्दि मते खाली सेति की कोतो स्को रो नंबर ऑफ मेंबर केते सर 8 मेंबर्स ओके 8 मेंबर केवल जणे ही जानछन्दि बाकी ओके सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जेहेतु आपन रूसिया एटा जेहेतु कोन पे इंपोर्टेंस थिला आपन एटा ओटे मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन ओके सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपन को एटा सिविल ऑर्गेनाइजेशन नो ये होसे गोटे मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन ओके आपन को तो सेति पे यार इंपोर्टेंस बहुत थिला जेहेतु रूसिया यूक्रेन रे आपन को वार चली छे ओके सेति पे यार इंपोर्टेंस थिला तो मेनली आपन को जदि कहबा इट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल आउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओके मेनली आपनकर यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन एटा लिखि देंतु क्वेश्चन रे आसीबो आपनकर कोन पई ना आसे आपनकर कोन पई कहले एटा मिलिटरी ऑर्गेन लोक भाबि देंतु एटा आपनकर एमिति खाली इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोऑपरेशन से यानो आपनकर मेनली पॉलिटिकल पोल लिखि दउ छी इको आउ मिलिटरी ओके आपनकर मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन हां नाटो भलिया न हो किंतु ये भी मिलिटरी आपनकर कोऑपरेशन करबा कथा एतरे अछि आपनकर ओके मेनली टू मेंटेन पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन याको स्को आपनकर हला 2001 रे यार क्रिएशन हेतला ओके यार चार्टर साइन हला आपनकर 2002 रे 2001 रे हला तार चार्टर साइन हला 2002 रे सेम द कम इनटू फोर्स 2000 आपनकर 3 रे आपनको जदि कहबा 2001 पूर्वरु जस्ट टिके ओरिजिन बिषय जदि आमे कहबा गोटे संगठन थिला स्को सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बदल रे सिए थिला आपनको सांघाई 5 ओके सांघाई 5 सांघाई 5 थिला यार प्रीकर्सर जोंतरे कि आपनको मेनली कजाकस्तान जदि कहबा चाइना किर्गिस्तान रूसिया ताजिकिस्तान ओके एमिति भाबरे आपनकर पांच जण मेंबर थिले कजाकस्तान चाइना किर्गिस्तान रूसिया और ताजिकिस्तान एमाने मेंबर थिले जो मानको कि सांघाई 5 बोले कुहा होतला ओके आपनकर मेनली 1996 रे यार ओरिजिन थिला जहा भी हो आपनकर किंतु आपन 2001 रे कोन हला ए जो सांघाई 5 रे आपनकर उज्बेकिस्तान शामिल हला ओके 2001 रे उज्बेकिस्तान शामिल हला तो जेते बेले आकृत पांच जण थिले बोली 5 थिला आपन को तो 6 कर दे पार थंदे किंतु से माने भाबले जे ना सैया नो गोटे नुआ ही ना दे देवा तो आपन को 2001 रे रीनेमिंग हला सेटा आज स्को बा सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हां आपन को इंडिया और पाकिस्तान मेंबर हले 2017 रे ओके 2017 रे इंडिया एंड पाकिस्तान आपन को सेतरे जोग देले इंडिया को रूसिया जते बेले आपन को माने डाकिले बा आपन को जोग देवा पे जेहेतु रूसिया साइड रो आपन को कोहा गला सेते बेले पाकिस्तान को चाइना डाकिला ओके इंडिया को काउंटर करिया पे ओके तो सेत में मेनली एक्चुअली ए जो ऑर्गेनाइजेशन गुडा वन टाइम काइंड ऑफ जदी देखिबे माने मते जहा लागे ए गुडा फेलियर ऑर्गेनाइजेशन ओके फेलियर ऑर्गेनाइजेशन माने को मोटा मोटी भाबर त सेंते कहि परबे नि किंतु कथाटा होचे आपन सब कॉन्फ्लिक्टिव ग्रुप गुडा अछन्ति जेमति यूएन रो एबे जदि कहिया प्रेजेंट रे यूएन रो किछ रिलेवेंस अछि कि आपन गोटे कथा कहिले यूएन रो रिलेवेंस किछ ना के बराबर कोन पे जो ऑब्जेक्टिव नै कि यूएन रो फाउंडेशन हेतला यूएन को सेटा को फुलफिल करि परुचे वेटो पावर द्वारा हई हु नै रूसिया यूक्रेन ऊपर अटैक कर दउ छी चाइना अपटे इंडिया आ जाउ छी से ताइवान को नै जीवो कहउ छी अमेरिका तो से कोन नै कोन गोटे कर पकउ छी ओके ए मान को अटकेबा पई केही रहे तो एगुडा सब आपन को केवल पावर शोइंग ऑर्गेनाइजेशन नले माने हमर कोहा जाय नै कि हमर दांत नथिबा बाघ होय माने सब ओके
ଏମାନଙ୍କର ଏ ସଂଗଠନ ଗୁଡାର କିଛି କାମ ନୁହଁ, ହଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଦେଖିବେ ଯାଇକି ବସିବେ କିନ୍ତୁ କଥା ହେବେନି, ରୁଷା ଫୁଲା ଚାଲିବ, ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁଷନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ସେ ଚାଇନା ବାଲା ସହିତ ମିଶିବେ, ଏଇ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆମେ ସବୁ ମିଟିଂ ଗୁଡାରେ ଦେଖନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ମେମ୍ବର, ଓକେ ଓକେ 9 ମେମ୍ବର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ, ମେମ୍ବରସିପ 9 ଜଣ, ଟିକେ କରେକ୍ସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଓକେ ଆପଣଙ୍କ 9 ମେମ୍ବର ମେନଲି କାଜାକସ୍ତାନ, ଚାଇନା, କିର୍ଜାକସ୍ତାନ, ରୁଷିଆ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଉ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ଇରାନ, ଓକେ ଇରାନ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ତ 9 ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ 9 ଜଣ ମେମ୍ବର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଓକେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସ୍କୋ, ସ୍କୋର ଯଦି କହିବା ଆମେ ଓକେ 8 ହିଁ ଦେଖାଉଛି ଏଠି। ଆଚ୍ଛା ଇରାନଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କନଫର୍ମ କରିଦେବା, ଇରାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଫର୍ମାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲେ ନା କରିନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖିବା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଥର ହେଲା ଭଳିଆ। ଇରାନ ଜଏଣ୍ଟ ନାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିଲା ପ୍ଲାନ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିଦେବା, ଟିକେ ଅଫିସିଆଲି ଦେଖିଦେବା ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି। ସାଂଘାଇ କୋପରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଯୋଉ ସ୍କୋରେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ କଣ ସାଇଟଟା ବି ଖୋଲୁନି ତାଙ୍କର, ଆପଣ ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲେ ସ୍କୋ ମେମ୍ବର୍ସ ଲାଟେଷ୍ଟ। ହୁଁ ସାର୍ ଦେଖିଲି ସାର୍, ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଇରାନ ବିକମ୍ 9th ମେମ୍ବର ଅଫ ସାଂଘାଇ କୋପରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ତେଣୁ କରି 9 କଣ ଅଛି ନାଇଁ, 8 ହିଁ ଦେଖାଉଛି ନା, ନା ନା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଟା ଗୋଟେ WhatsApp ରେ ଶେୟାର କରିବି ସାର। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବେଲାରସ, ଇରାନ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ହେବା ପାଇଁ, ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 8 ହିଁ ଅଛି, 8 ହିଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ମତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଇରାନିଆନ ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କ, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଇରାନ ସାଇନ୍ଡ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଅଫ ଅବ୍ଲିକେସନ ଟୁ ବିକମ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଫ ସ୍କୋ, ଓକେ ଆପଣଙ୍କ, ତ ମେନଲି ମତେ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ 8 ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଓକେ 8 ହିଁ ଅଛନ୍ତି, 8 ଲେଖିଥାନ୍ତୁ। ଇରାନ ଆପଣଙ୍କର ଇରାନକୁ ଫର୍ମାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମଓୟୁ ରେ ସାଇନ୍ କରିଛି, ଓକେ ଏମଓୟୁ ନୁହଁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଅଫ ଅବ୍ଲିଗେସନ, ଓକେ ଇରାନ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ କରିଛି, ବୋଧେ ଫର୍ଦର ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇପାରେ, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋ ରିଲେଟେଡ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ, ଓକେ କଣ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ପଠେଇଲେ, ଏଇଟା ତ ଗୁଗଲରେ ଜଷ୍ଟ ମାରିଦେଲେ ବାହାରି ଯାଉଛି, କଣ କାଇଁ ଗୁଗଲରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟାଟା ଆସେ ନା, ଏଇଟା ଟିକେ ପୁରୁଣା ଡାଟା ଥାଏ, କଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ବି ଦେଖୁ ଆମର ସାଇଟ ଗୁଡାରୁ ବି ଦେଖାଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଗୁଗଲର କଣ ଗୁଗଲର ନିଜର କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ, ସିଏ ଆମ ମାନଙ୍କର ସାଇଟ ରୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ସିଏ ଦେଖାଏ, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ନାହିଁ ଇଭେନ, ଓକେ ଗୁଗଲର କଣ ଅଛି ସେଟା ଖାଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଟା ପଠେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବାଇଜୁର ଏଟା, ଆଉ ବାଇଜୁର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଦେୟାର ଆର ଓହୋ, ଏଠି ବାଇଜୁର ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇଛି ମାନେ 9 ମେମ୍ବର ବୋଲି ଦେଖେଇଛି, ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ତ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନଫର୍ମ ଟା କଣ ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରିଦେବି, ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ କାଲି କନଫର୍ମ କରିଦେବି, ବାଇଶ ବାଲା ବି ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ 9 ମେମ୍ବର ବୋଲି ଇରାନକୁ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇରାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇନ୍ କରିଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଓକେ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ତାପରେ ମନେ ପଡୁନି ଠିକସେ, ଯାହା ବି ହଉ ଇରାନକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମିଲ କରାହେଇଛି, ଓକେ ସାର୍। ଯେମିତି କି ଆମର ଯୋଉ ନାଟୋର ଏବେ 2 ଜଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେମ୍ବର ହେଲେ ତ 30 ଜଣ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ ରେ ପଡିଥିଲା ନାଟୋର ମେମ୍ବର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେତେ, ତାହେଲେ 28 ଆମେ କରିଥିଲୁ, ସେଟା ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ନାଟୋର ମେମ୍ବର କେତେ ଏବେ 30 ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 30 ହେଲେ ସେ ହଠାତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ 28 ଥିଲେ, ଏବେ 30 ହେଇଗଲେ, ଏବେ 30 ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଟୋ ମେମ୍ବର, ଆଉ ଜଣେ କିଏ କନଫର୍ମ କଲେ ନାଟୋର ମେମ୍ବର କେତେ, 30 ସାର 30
अच्छा ठीक अछि आपन को 30 जन मेंबर अछ तो एक्चुअली कोन किस एटा करंट अफेयर्स ना आपन को सही हिसाब रे आंसर लिखबा को पड़ियो आपन डेट भितरे देखिबे एक्चुअली को को डेट भितरे आपन को रहिछ ओके एटा भी आपन आडा रो साइड तक शेयर करले न ईरान बिकम 9th मेंबर ऑफ संघाई हो सेटा तो मु कहली आपन को सेटा एक्चुअली सिग्नेचर हेइतिला ओके सीए एक्चुअली साइन करले सीए কথাটা হচ্ছে তার ওয়েবসাইট রে সেমতি কিছু দেখাও নাই আচ্ছা ঠিক আছে মু তাঙ্কর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রে চেক করকে আপনকো কনফার্ম কর দিবি এই জিনিসটা ওকে আচ্ছা নেক্সট দেখিবা ওটে আউ কোন সাবমিট দিলা সেমতি যদি কইবা এইটা কিন্তু স্কোরটা নিহাতে আসিব ওকে আপনকো স্কোরটা স্কো হেলা বিমস্টেক হেলা এইগুডাকো আপন দেখিদিবে সেইগুডা হি কোশ্চেন আসিব বাকি সবগুডা খালি আমি এমতি পড়ু জতে ওকে আচ্ছা আউ গটে কথা হলা আউ গটে ওয়ার্ল্ড বডি তে ওকে এটা কত নম্বর ছিল আমার গলা সিএ 15 16 নম্বরে লিখো তো গটে বডি হচ্ছে এডব্লিউইবি এডব্লিউইবি ওকে এডব্লিউইবি মানে অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড ইলেকশন বডিজ অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড ইলেকশন বডিজ ओके एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज जेमते आपन कर कि हमर जेमते इलेक्शन कमिशन हेले ओके एग्जैक्टली से टाइप रो हमर जो इलेक्शन कमिशनर मान कर सेटा गोटे होची ऑर्गेनाइजेशन ओके आपन को जदी कहबा ए ए वेब बोली भी कहा जाय याकू आपन को एमिति लिखा जाय मु ताकू सीधा लिख देली ए वेब ओके एमिति लिखा जाय माने एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज इयर फाउंडेशन आपन को 2013 रे हितला ओके 13 रे हेतला कोठी मेनली साउथ कोरिया रे ओके सांगडो साउथ कोरिया सांगडो साउथ कोरिया ओके सांगडो साउथ कोरिया रे यार फाउंडेशन हेतला 2013 रे ओके आउ इट इज द फर्स्ट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज पाखा पाखी आपन को जदि पाखा पाखी नो आप डाटा टा होची 118 आपन को जो इलेक्शन बॉडीज गुडा अछंती इलेक्शन बॉडीज गुडा अथिर आपन को मेंबर आ या सहित 20 टा रीजनल एसोसिएशन भी अछंते 20 आपन को रीजनल एसोसिएशन भी आपन को अथिर इन्वॉल्व अछंते ओके मेनली अच्छा हमर इंडिया तरफ रु चीफ इलेक्शन कमिश्नर जे सुशील चंद्रा थिले से आपन को जेतला अच्छा से दिन पछार थिले प्रेजेंट डे आपन को इलेक्शन कमिश्नर के अछंते चीफ इलेक्शन कमिश्नर के राजीव राजीव एमती कोन ता ना टिके राजीव से दिन हम डिस्कशन करथले ओदे याकू राजीव हो जे पूरा नाटा को तो अपन को सेमती आधा कहले किमति हो जब मोने कर टाइटल ता अलगा दी दिस कोन करिवे ताले राजीव कुमार ओके अच्छा तांकर किछि नाय नो के राजीव कुमार मेनली हमकर जदि कह 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर भाबर एटा तो क्वेश्चन आसीबो आपनकर ओके राजीव कुमार अपॉइंटमेंट रेटा डिस्कशन करिया कथा थिला एटी डिस्कशन कर दवा आपनकर हमर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भाबरे राजीव कुमार आपनकर 25th याको डिस्कशन करथिला हमें 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर भाबरे आपनकर से माने चार्ज से आपनकर नेले ओके तो चीफ इलेक्शन कमिशनर कथा आमे जानछथि इलेक्शन कमिशन माने जदि कहबा इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ओके ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आर्टिकल आधार रे हे छि इलेक्शन कमिशन के कहि परबे को आर्टिकल हिसाब रे आपनकर फाउंडेशन करा हे छि 324 यस माने जानछथि समस्त 3 समस्त जानछथि मु भाउछु मु से दिन कहितली भी एउटा सब मन रखिया पय आपनको 324 आर्टिकल हिसाब रे आपनको इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया फाउंडेशन करा हिछि आ यार काम होला सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड ओके आपनको जहा दिया हबो सेउडा ऊपर आपनको एथिरे रखा हिछि स्टेट इलेक्शन कमिशन सीए होलगा आपनको ये होछि स्टेट इलेक्शन कमिशन नॉर्मली हमर पंचायत राज इलेक्शन पय था आउ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आपन को जदि कहबा लोकसभा हला किबा स्टेट असेंबली हला प्रेसिडेंट इलेक्शन ओके किबा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एगुडा को से आपन को कंडक्ट करोंती इलेक्शन कमिशन कर हेड क्वार्टर जदि हमें कहबा न्यू दिल्ली रे अछि ओके न्यू दिल्ली रे अछि हमें जान छथि ओरिजिनली जणे इलेक्शन कमिश्नर रहुतले ओके किंतु जदि कहबा इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1889 परे एटा को मल्टी मेंबर बॉडी रे आपन को कन्वर्शन करा गला जोथरे कि जणे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहिबे एंड सच अदर सच
number of other election commissioner okay jone chief electioner commissioner rahibe au requirement hisab re apunkar rakhibe okay au if any as president may fix from time to time seta president decide koribe je actually kete jone dorkar hebe presently jodi kahiba ame okay jone chief election commissioner achanti au di jone election commissioners achanti okay same the state level re jodi kahiba election commission is helped by chief electoral officer je jone is rank ro officer apunkar thate ओके प्रेसिडेंट आपन कर बोथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आउ इलेक्शन कमिश्नर मान को अपॉइंटमेंट करोंते यहां कर जदी कहबा टेन्योर हला 6 इयर्स सब ओडा मन रखितां तो रिवीजन कर दोची ओके आपन कर टेन्योर हला फिक्स टेन्योर 6 इयर पय थाए किंबा अदरवाइज अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर आपन कर एके तो आपन कर 6 इयर पर्यंत रहिबे नले 65 वर्ष जोटा आपन कर शीघ्र हबो सेति की आपन कर व्हिच एवर इज अर्लियर पाछोडा आपन को जदी कहबा ए माने जो इम्युनिटी उडा सब पाती बा फैसिलिटीज पाती ए मान को स्टेटस जो सैलरी रिसीव करती जो डिफरेंट इम्युनिटीज सब ए मान को मिले सेगुडा टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओके सुप्रीम कोर्ट जज को जो सुविधा सुजोग मिले ए मान को भी सही कथाटा मिले जोने चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो तो किबा इलेक्शन कमिश्नर सेमने चाहेले को टाइम रे भी आपन को रिजाइन करि परिबे निजे निजे किबा तांको भी आपन को तांको टर्म एक्सपायरी हेबा पूर्वरो तांको रिमूव करा जाई पारे ओके आपन को मेनली जदी कहबा तांको जो रिमूवल प्रोसेस द प्रोसेस माने सीईसी कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रिमूवल प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ओके सुप्रीम कोर्ट जज को जेमते पार्लियामेंट रे बहुत लोकसभा और राज्यसभा रे आपन को रिमूवल करा जाय सेई प्रोसीड्यूर रे आपन को कोन करा जाय रिमूवल करा जाय ओके तो मेनली हां ए जो रिमूवल प्रोसीड्यूर रे आउ के शामिल होती मेनली आपन को जज ऑफ हाई कोर्ट कथा को तो सुप्रीम कोर्ट को तो सेम प्रोसीड्यूर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ए मान को आपन को रिमूवल प्रोसेस रे रिमूवल करा जाय ओके फ्रॉम ऑफिस थ्रू ए मोशन अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट ओके मेनली दीटा ग्राउंड रे ही रिमूवल करा जाय परबो गोटे होची मिसबिहेवियर आ गोटे होची इनकैपेसिटी ए जो सब मन कर मु ना कहली आपन को मेनली जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आपन को चीफ इलेक्शन कमिशन अदर कमिश्नर मान को कथा कह जाउ ओके अदर कमिश्नर मान को केवल चीफ इलेक्शन कमिशन को रिकमेंडेशन रे से मान को बाहर करा जाय परबो किंतु चीफ इलेक्शन कमिशनर जे ताको रिमूवल ता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज को रिमूवल प्रोसीड्यूर सहित समान हां आउ जने हले सीएजी बा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दीटा ग्राउंड रे मेनली प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ए हिसाब रे बाहर करा जाय परबो ओके सेति पई आपन को स्पेशल मेजॉरिटी रो आवश्यकता अछि 2/3 मेंबर प्रेजेंट एट वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस टोटल हाउस रो स्ट्रेंथ रो मोर देन 50% ओके आउ कोन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एट वोटिंग ए स्पेशल मेजॉरिटी रे आपन को ए जो मान को आपन को जज ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सीईसी सीएजी बहुत तर कहले ने समस्त मन रही जाय तो जेंति आउ कंफ्यूजन हे ए मान को आपन को रिमूवल करा जाय पारे हां इम्पेचमेंट यांकर करा जाय नै यांको रिमूवल करा जाय एटा मन रखिथिबे ओके कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इम्पेचमेंट ओके एमानकर जो जजेस कोंतु सीएजी कोंतु सीएससी कोंतु एमानकर रिमूवल पई आपनकर इम्पेचमेंट वर्ड यूज हुए नै इम्पेचमेंट माने होछि महाभियोग प्रस्ताव ओके सेटा केवल प्रेसिडेंट को पई यूज हुए नहले अदरवाइज आ कहा पई इम्पेचमेंट वर्ड यूज हुए नै आरोगडा सब रिमूवल ओके सेगुडा को सब रिमूवल को आछे द टर्म इम्पेचमेंट इज ओनली यूज्ड फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट ओके आ सेति पई आपन को जदि कहबा स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ हाउसेस व्हिच इज नॉट यूज्ड एल्सवेयर ओके आपन को रिमूवल आ इम्पेचमेंट भितरे डिफरेंस ता होसी आपन को रिमूवल कहले 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग आउ कोन मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस सेया हुए किंतु इम्पेचमेंट जते बेले हुए सेते बेले 2/3 ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ हाउसेस रो आपन को जदि कहबा टोटल स्ट्रेंथ रो 2/3 मेजॉरिटी होबो ताहाले जकी प्रेसिडेंट को इम्पेचमेंट करि होबो तो आमो भितरे कन्फ्यूजन थाए समस्त आमे भावते जे प्रेसिडेंट को जेमते बाहर करिबा इलेक्शन कमिश्नर को जेमते बाहर करिबा रहिले जे सीएजी एउडा सही आनो किबा सुप्रीम कोर्ट जज को सही आनो तांको प्रोसीड्यूर अलगा सेटा रिमूवल प्रोसीड्यूर सेति पई अलगा मेजॉरिटी यूज करा जाय सेति पई अलगा हो मेजॉरिटी विषय रे केवल मेजॉरिटी गुडा ऊपर आमे गोटे क्लास नेथिले जो माने इंटरेस्टेड आपन से क्लास को जाई के देखि पारबे
ओके तो इलेक्शन कमिश्नर को आमे जान छथि वाइड रेंज ऑफ पावर अछि जेमती अपन को टेरिटोरियल एरियाज गुडा को डिटरमाइन करबा ओके किबा डिलिमिटेशन ओके डिलिमिटेशन कमिशन रो एक्ट आधार रे ओके डिलिमिटेशन कमिशन एक्ट आधार रे अपन को डिटर टेरिटोरियल एरिया को सेपरेट करबा इत्यादि इत्यादि सब मेनली ओके हाँ यार फंक्शन टा क्वासी जुडिशियल ओके एडवाइजरी जुरिसडिक्शन भी अच्छे इलेक्शन कमिश्नर को ओटे क्वासी जुडिशियल फंक्शन भी अपन को अच्छे ओके अच्छा दिस इज ऑल अबाउट इलेक्शन आमे बाहरी थिले एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज रु इलेक्शन कमिशन रे पहुंच गेले मु भाउ छी पॉलिटिक्स भी अपन को रिविजन हे जाइतबो ओके मेनली अपन को जदि कहबा इंडिया पक्षरु अपन को सुशील चंद्रा जी जाइतिले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सी अपन को मेनली जाइतिले ओके अपन को से मीटिंग अरेंज करिया पई ओके अपन को मेनली मीटिंग करिया पई क्वेश्चन टा एथरु कोन आसीबो कोटी हेला सेटा तो नो मेनली अपन को ई जो बॉडी टा कोटी लोकेटेड अछि से क्वेश्चन टा अपन को आसीबो ओके Association of World Election Bodies is located in which country? Go country is it? Sita hochi apanko South Korea mu already lekhi deiche. Okay. Apanko South Korea re hochi. Eta hochi apankor question asipara. Okay. Next dekhiba au gote apanko jodi kahiba au gote dialogue hue India re regularly apanko jodi kahiba seta jehetu popular ta taku ame lekhiba sie hochi apankor Raisina dialogue. ओके रायसीना डायलॉग या विषय रे मु भाबु छी समस्त जानिथिबे रिसेंटली आपन को जदि कहबा रायसीना डायलॉग आपन को ओके एटा होछ मेनली फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड ओके फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड आपन को जदि कहबा ईआर 7th एडिशन आपन को हिला एथरो ओके मेनली यूरोपियन यूनियन रो प्रेसिडेंट जे थिले सी चीफ गेस्ट बाबरे आसीथिले तांको ना होची ओर्सुला वंडर लेन ओके सी आसीथिले आपन को तो मेनली ओवर 200 स्पीकर फ्रॉम 19 कंट्रीज आर पार्टिसिपेट इन दिस एडिशन ओके ओआरएफ कोन लिखले मु बुझी पालेनी कोन तो आथरे बुझियलानी टिके कहले एक्सप्लेन कोले ओहो अच्छा अच्छा ठीक अछि जस्ट कहबा दरकार नै हे गेला मेन कथा हो छि नै मु हटात के को कॉन्टेक्स्ट रे लिखले मु बुझि पाले मेन कथा हो छि ये जो एटा जॉइंट वेंचर टा ओके जो रायसीना डायलॉग एटा जॉइंट वेंचर आपन टिके हाइलाइट कर थाना ना मु एंतल मु मारे एते गुडाई डाटा को असिमिलेट करू छि ना मु निजे मारे बोणा हे जाय टिके ओके आपन को मेनली एटा हो छि जॉइंट वेंचर ओके आपन को दीटा बॉडी आपन को जदि कहबा एथरे काम कर छथि जॉइंट वेंचर गोटे हो छि एमईए आपन को ओके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जदि कहबा जॉइंट वेंचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आ गोटे हो छि आपन को ओआरएफ ओके ओआरएफ माने आपन को जदि कहबा एटा हो छि कोनटा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ओके नले सेटा भी लिखि दिथान मन पड़ जन हटात के शॉर्ट फॉर्म टा कॉल बैक खेलाणी मो ओके आपन को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ओके रिसर्च फाउंडेशन ए दीटा बॉडी रो होची इनिशिएटिव आपन को रायसीना डायलॉग ओके फॉरेन पॉलिसी मैटर आपन को जदी कहबा रिलेटेड होची ये मेनली ऑब्जर्वर फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑर्गेनाइज या को आपन को परि थाते एति की दरकार आउ किसी दरकार ना है ओके अच्छा नेक्स्ट देखिबा ओटे आपन को जदी कहबा सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस सेगुडार तो चांस नहीं अच्छा आउ गोटे समिट को आपन देखबा इंडिया नॉर्डिक समिट 18 रे इंडिया नॉर्डिक समिट हां आउ गोटे भी कथा आपन को जो समिट गुडा हमें पढु ना कि एगुडा इंटरनेशनल अफेयर्स रे भी से भी सुडा आसीबो तो हमें इंटरनेशनल अफेयर्स तो भी हमर कवर हो जाउची सेगुडा को सेते बले स्किप कर जीवा ओके गुडा सब एकाठी माने कोन मिक्स्ड टाइप रो गुडा आपन को इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 ओके आपन को डेनमार्क रे हेतला ओके डेनमार्क रे हेतला निश्चिंत हाव रे जदि कहिबा कोपेनहेगन टाउन डेनमार्क रो जो कोपेनहेगन रे ओके डेनमार्क रो कोपेनहेगन रे आपन को हेतला मेनली आपन को जदि कहिबा जो मोदी आमर जायतिले प्रधानमंत्री ओके
सी आपन यूक्रेन रो सिचुएशन ऊपर नॉर्मली डिस्कशन हमर हेतला ओके डेनमार्क स्वीडन फिनलैंड नॉर्वे आउ आइसलैंड जो नॉर्डिक कंट्री गुडा अछंते इमान कर सहित ओके से मीटिंग गुडा बहुत बढ़िया हेतला नो कि आपन माने इंडियन लोक मान पार्टिसिपेशन बहुत बेटर थिला आपन एमिति तो आपन बोधे स्वीडन रे जायथिले बळ को आपन देखुथिले ता से मीटिंगटा ओके जा भी हो आपन नॉर्डिक कंट्रीज जो गुडा आपन जदि कहबा नॉर्डिक कंट्रीज कहले आपन डेनमार्क ला स्वीडन फिनलैंड नॉर्वे आउ आइसलैंड एटा को मन रखबे नॉर्डिक कंट्रीज ओके नॉर्डिक कंट्रीज जोथरे आपन वाइकिंग माने सब थिले ओके हिस्ट्री जदि आसी ओके मु पुनी हिस्ट्री को पढे आसे आपन वाइकिंग माने से एरिया रे आपन रहउथले सेटु बारी के अलगा अड़ को गले नॉर्डिक कंट्रीज आपन ए गुडा रे सब मेनली अच्छा एटे दिनोटा केते लंबा कहले नॉर्डिक कंट्रीज गुडा रे दिनोटा केते आवर रो इट्स डेटा अपन और केते आवर रो के कोई परवे जो नॉर्डिक कंट्रीज उड़ा रहे अपन और केते आवर रो हुए नॉर्मली ये तो बड़ा आंसर दियो ना पर कारी को भी जाना नहीं नॉर्डिक कंट्रीज उड़ा पर आपन को से उड़ा आपन को जदी कोई बा मेनली आपन को आर्कटिक रीजन रे से उड़ा अछो ओके अबव द आर्कटिक रीजन आपन को सेंटर कोन हुए 6 मंथ हुए 6 मास दिन हुए 6 मास रात हुए आपन को ठीक है लिंक करिवे ना उड़ा को ज्योग्राफी सहित अच्छा एबे देखिबा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट आपन को जदी कहबा डब्ल्यूईएफ रो 19 आपन को वर्ल्ड सेगुडा रे केमदि लागुथो गोडे किछ दिन एक्सपीरियंस करके आसबा दरकार नो एक्चुअली केमदि लागे ठीक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यार जदी कहबा एनुअल मीटिंग 2022 रे ओके कोठी हेतला एटा विशेष इंपोर्टेंट नो तथापि मु लिखि दो छी आपन डाभोस रे हेतला ओके डाभोस आपन को जदी कहबा डाभोस टा कोठी स्विट्जरलैंड ओके स्विट्जरलैंड रे आपन को हेतला ओके যদি কইবা মানে আপনকর সব ভার্চুয়াল মিটিং হতলা বোধে এটা ফাস্ট হেলা তারপরে আপনকর সব যাই কি সমস্তকর ওকে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম আচ্ছা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম র মানে যদি কইবা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বিষয়ে কোন জানছ যদি কইলে ডিসকাশন কর দবা ঠিক আছে ডাভোস সামিট ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম ओके ठीक अच्छे लेकिन तो प्राय तो क्वेश्चन रे आसे नो कि हम जदी कहबा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टा प्राय तो क्वेश्चन आसु छी आपन को ओके तो देखि देथबा टिके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रे आपन को कोन कोन सब अछि मेनली इटा आपन को जदी कहबा गोटे आपन को स्विट्जरलैंड रो गोटे नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन ओके लेखि दे थन मु कहू छी स्लो रे कहू छी आराम रे लिखि परबे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गोटे आपन को स्विट्जरलैंड रो गोटे नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन जोटा कि 1971 रे फाउंडेशन हैला ओके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 रे यार आपन को फाउंडेशन हैला गोटे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओके यार हेड क्वार्टर जदि हमें कहबा जेनेवा स्विट्जरलैंड ओके जेनेवा आ स्विट्जरलैंड ये हो जी तार हेड क्वार्टर ओके तो मेनली जदि कहबा याकू आपन को स्विस अथॉरिटीज भी निश्चित भाव हेड क्वार्टर ही मीटिंग हम आप सेमिति माने नुह ओके छाण तो से गुडा जो कन्फ्यूजन अच्छे मुझे डिस्कशन करूना मेनली आप कह मान गुड़ाए रिपोर्ट पब्लीश कर ओके या कमटा हूँ पृथ्वी में जहा जहा सब हूँ रिपोर्ट बाहर कर यार कम है से मानते तू माने अलगा लोक मान को कहबा बा अलगा देश मान को जे तुम रोकाते या तुम रोकाते या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो काम होला से या को इंपोर्टेंस भी आपन को बहुत दिया जाए जदी कहबा माने इंटरनेशनल फोरम उडा काम सेही रिपोर्ट गुडा को आधार करी कि ही आपन को विभिन्न सब काम हो तो मेनली गुडाए रिपोर्ट पब्लिश करे से मु जस्ट कहि दउ छी जेमती आपन को एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हला एटा तो विशेष इंपोर्टेंट नो इंपोर्टेंट हो जे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ओके এইটা কো সিয়ে পাবলিশ করে আপন লিখি দি থন আমি বোধ লাস্ট কুপ চালি আসলে আচ্ছা এটা লিখি সাইড চন্তি কি মু নহলে পেজ চেঞ্জ করি লিখি সাইড চন্তি
yes or no kuantu okay thik ache mu page ta ko change karuchi ame pura last ko kemti padela mu bujhi pale ame to ethi dile last page ko padegala okay apan jo wef kete number issue ta thila ho chhara bosi ja bi tho wef ye gudai report publish kore seith pai ame janatu yar headquarter geneva switzerland re gote apan ko jodi kahiba non profit foundation okay seithru apan ko jo ta most important se hoche global competitiveness report competitiveness report yaku publish kore e report ro bahut value achi apanga okay mane gote country re keta investment hobo bi se guda sabu decide hoy okay to world economic forum ro ei kamonda mane jodi kahiba kaaku barbad bi kar dei pare kaaku abad bi kar dei pare se manko apanga obosyo gote world body ro tar credibility upre question koriba kotha nu kintu tothapi western world jemdi bhabre kamo koronde मतो तांगो क्रेडिबिलिटी पर डाउट आसे ओके जा भी हो ये एटा पब्लिश हो आपन को हां आउट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी सेटा लिखि देता तो ओके सेकंड जदी कहबा ग्लोबल आईटी रिपोर्ट एउडा सब एग्जाम रे आसे जे को रिपोर्ट का द्वारा पब्लिश हो ओके हां ए जो ग्लोबल आईटी रिपोर्ट ता किंतु ये कोलैबोरेशन रे करे एकानु आपन को जदी कहबा इनसेट ओके इनसेट आउ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ए तीनटा बॉडी हे के ग्लोबल आईटी रिपोर्ट आपन कर पब्लिश करते ओके आपन कर डब्ल्यूईएफ इन्स आपन कर जदी कहबा इनसेड आउ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी तीन जण हे के ग्लोबल आईटी रिपोर्ट आपन कर पब्लिश करते हो आउ गोटे रिपोर्ट मोस्ट फेमस एटा तो जानि दिबा कोटेशन यार निहाते जरूरी सेटा होचे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जेंडर गैप रिपोर्ट मु कहले ना ए माने आपन को घरे पसिबे हेले यांकर काम होला सेया माने केउ लोकडा को करूची ई गुडा देखिबा हला तंगर काम ठीके बायस्ड भी है माने ओके आपन को ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आउ गोटे रिपोर्ट आपन को ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट अच्छा फास्ट टाइम लिखि दवा ताकु कहीं छाड़ दवा आपन 6 हो दे सेटा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एगुडा को सब से पब्लिश करबे आ दुनिया बाहावा नियते हमें सब एया करचो सेया करचो ओके आपन को गुडाए जिंस आपन को माने सब जदी कहबा करते तो मेनली आपन को जो ए जो डाभोस समिट हेतला ओके बट डाभोस एजेंडा बोली जो कहा जाए आपन को जोथरे कि आपन को जदी कहबा रिसेंटली हमर प्राइम मिनिस्टर जाई कि सेतरे आपन को ए जो समिट हेतला सेतरे आपन को देथिले स्पीच देथिले ओके तो मेनली आपन को जदी कहबा सेतरे से जो कथाटा गोटे कहितले आपन को सेटा होची वन अर्थ वन हेल्थ ओके आपन को जो कोविड समय रे आपन को जदी कहबा जो हिसाब रे हमें माने इंडिया सेव्ड मेनी लाइव्स बाय एक्सपोर्टिंग एसेंशियल मेडिसिन एंड वैक्सींस पृथ्वी सारा को आपन देखिथिबे पैरासिटामोल तो करकी बाकी आपन को जो एजिथ्रोमाइसिन तो करकी विभिन्न प्रकार आपन को सब मेडिसिन सब थिला से गुडा को सब आपन को एक्सपोर्ट करा गला जो आपन को गरीब देश टू आरंभ करकी इवन अमेरिका पर्यंत इंडिया तरफ रु गला ओके एसेंशियल मेडिसिन वैक्सीन गुडा ओके तो मेनली या हमर जदि कह माननीय प्रधानमंत्री मोदी को कहिवार कथा हला एटा इट इज द विजन ऑफ वन अर्थ वन हेल्थ ओके गोटे पृथ्वी गोटे स्वास्थ्य ओके ए विजन टाको ही नै कि आपन को से कथाटा करा हेतला बोली से कहिले आपन को ओके आ इंडिया आपन को डाटा भी गोटे लिखि दे तांदो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर ओके आपन को कहा जाए इंडिया को फार्मेसी टू द वर्ल्ड बोली कहा जाए इंडिया रे इंडिया आपन को जदी कहबा थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर इंडिया इज द लिखि दे तांदो फैक्टा सेटा फार्मेसी टू द वर्ल्ड बोली भी आपन को कुहा जाए ओके सेथरे आपन को मेनली P3 कथा आसीतला ओके P3 कथा आसीतला व्हाट इज P3 P3 कहले प्रो प्लैनेट पीपल लिखि दे तांदो प्रो प्लैनेट पीपल ओके प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच बा P3 अप्रोच कथा सेथरे आसीतला मेनली प्राइम मिनिस्टर से कथाडा हमर कहितले ओके मेनली जो माने को प्रो प्लैनेट पीपल ओके बा आपन को जदी कहबा ई कथाटा आपन को कोहा हेतला सेठी ओके जस्ट हाईलाइट कर देले आउ किछ दरकार नै मु भाबु छी
सफिशिएंट हबो सेति कि पई सर कोंतु सर ग्लोबल जेंडर गैप प्रिंट एक्स पर जो तीनटा जको लिखले 4 5 6 खाली टिक्के खाली कहि देउ सर अच्छा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पर तो तापर लिखा है से ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एक्चुअली मु जहा लिखु छी मु भी निजे भी आउतरे बदे आउ जदी 15 मिनट पर मते दिया जाय मु भी पढ़ी परबी ओके एटा सत्य कथाटा आपनकर को करा जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट गोटे आपनकर तापर हला लेखि सम सेटा तापर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट ये हो छी ट्रैवल एंड टूरिज्म टूरिज्म रिपोर्ट तापरे आउटे तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स सेटा तो मु फास्ट टू बहुत तर कहउ छी सेटा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स अच्छा रिसेंटली अमर जदि कहिबा ओके रिसेंटली आउटे जेहेतु इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे अछि मु भाबु छी जानिबा जरूरी सेटा भी सेटा हो छी अपन जो बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक ओके रो आपन को जदि कहबा जो एनुअल मीटिंग हेतला आपन को लिख दियो तो सेटा केते नंबर त हेडा मु भूली गेलनी आपन लिखो तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक मु एनडीबी लिख दउ छी ओके न्यू डेवलपमेंट बैंक रो मीटिंग हेतला हमें जानि छथि ओके ओके तो मेनली यार जो मीटिंग हेतला एनुअल मीटिंग हेतला यार चेयर्ड इंडिया पकरे थिला ओके आपन को जदी कहबा चेयर्ड बाय आपन को जदी कहबा सो एनुअल मीटिंग हेतला सेतरे इंडिया चेयर्ड थिला लेकिन त तो सेटा इंडिया हमर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स दिए ओके एंड जदी कहबा इंडिया रो जे गवर्नर फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक ओके ए माने सब मेनली आपन को जदी कहबा ओडा सब जाय मेनली निर्मला सीतारमण ओके 20 नंबर अच्छा 20 नंबर कोन पई लिखले मते कहो तो 20 नंबर कोन पई लिखले सीधा कोन सर आपण पचासले मु पठितली हेले बहुत लेट रे गन अच्छा 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 बहुत लेट रे गला ओके ओके ठीक अछे अच्छा तो जहां भी हो हमर मेनली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जाईतिले माने मेनली सेवेंथ एनुअल जो मीटिंग थिला सेतिरे आपन को इंडिया चेयर करथिला लिखि देथों तो सेटा ओके चेयर हला इंडिया ओके इंडिया चेयर करथिला मेनली आपन को जदि कहबा ए जो मीटिंग रे अच्छा न्यू डेवलपमेंट बैंक विषय रे टिके लिखि दियो ओके न्यू डेवलपमेंट बैंक विषय रे टिके लिखि देथों आमे जानछ न्यू डेवलपमेंट बैंक जोटा इटा होची मोदी को ब्रेन चाइल्ड ओके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एथिले से ये तो होची तांको ब्रेन चाइल्ड कहले आमे चलिबो गोटे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक मेनली याकु पूर्वरो ब्रिक्स बैंक बोले कहा जाउतला ओके एग्जाम रे प्राय तो आसे आपनकर ब्रिक्स बैंक बोले कहा जाउतला पण पेना ब्रिक्स कंट्रीज माने यार फाउंडर थिले ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका समस्तकर इक्वल शेयर रे आपनकर फाउंडेशन करा जायतला ओके केही बडो नहु केही छोटो नहु समस्तकर इक्वल पार्टिसिपेशन रहइबो जेमिति आपनकर वर्ल्ड बैंक कथा कोंतु आईएमएफ कथा कोंतु एगुडा रे सब आपनकर माने कंट्री गुडा रे आपनकर अमेरिका कथा कोंतु किबा ह फोर्ट लेजर डिक्लेरेशन ओके हमें देखिबा सेटा को तो एतरे आपन को सेया कथा नथिला एतरे समस्त को इक्वल शेयर आपन को दिया हेतला ओके जेहेतु इक्वल शेयर दिया हेतला समस्त को इक्वल आपन को इक्वालिटी रही छि जतकि भी कंट्री आपन को रही छथि जेमते नले आपन को पूरा कंप्लीट डिक्टेट करू छि आपन को अमेरिका ओके आपन को अमेरिका डिक्टेट करू छि आपन को जदि देखिबे ए जो वर्ल्ड बैंक को तो आईएमएफ को तो एगुडा रे सब माने डिक्टेट करछ जहा भी हो आपन को ए जो ब्रिक्स बैंक रे सेमति नाही आपन को मेनली समस्त अगर कोऑपरेशन रे होची ओके आउ जदि कहबा ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रे भी ऑब्जर्वर स्टेटस रे आपन को ऑब्जर्वर स्टेटस एबे भी अछि आपन को जहा भी हो मेनली जदि कहबा ए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक विषय रे आउ कोन कहबा फाउंडर तो एतकी थिले सेया अच्छा आउ कोन अच्छा हेड क्वार्टर ता लिख दितो तो हेड क्वार्टर ता एग्जाम रे आसी पर एचक्यू ओके हेड क्वार्टर होची आपन को शंघाई चाइना ओके शंघाई चाइना होची आपन को जदि कहबा यार हेड क्वार्टर तो इंपोर्टेंट आपन को जदि कहबा हेड क्वार्टर भी पचारी पारो हो कोन कहले गुरुवार आज के खाइबे नि कुकुर खाइबो ओके आपन ना ना अच्छा ऑडियोटा बंद करू तो प्लीज रिकॉर्डिंग हे जाउची सेगुडा आपन कर
ओके तो मेनली आपन को जदी कहबा एतिकी हला न्यू डेवलपमेंट बैंक विषय रे 2018 तो से पाइला ऑलरेडी मु कहि चले नो कि आउ किछि मन पडु ने अच्छा फाउंडेड इन 2014 लेकि 2014 रे फाउंडेशन हेतला एतिकी मन पडु छ बाकी किछि मन पडु ने ओके अच्छा छाड़ो तो नेक्स्ट जीवा गोटे आपन को जदी कहबा क्वाड कथा तो आमे प्राय प्राय सब बेले कहउछन क्वाड रो आपन को जदी कह हां कोंतु ଚାଇନା ହାବି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଇନା ହାବି ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମେନଲି ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର ଖାସିୟତ ଗୁଡା ସେଇଆ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ଆମର ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥାଟାକୁ ହିଁ ଦେଖେ ଓକେ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା ହିଁ ଦେଖେ କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକା ପାୱାରଫୁଲ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କଣ କହିବା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବନି ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବେ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାୟ ସେଇ କଥା ହିଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ କରେ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଯେହେତୁ ବ୍ରେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ସଜେସନ୍ ସିଏ ହିଁ କରିଥିଲେ ଓକେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା କଥାଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂରେ ଆଚ୍ଛା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା କନଫର୍ମ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ସେୟାର କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଲେଖି ନଥାନ୍ତୁ ଓକେ କଣ ପାଇଁ ନା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଇକ୍ୱାଲ ସେୟାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ କଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ଲେଖି ନଥାନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ନହେଲେ କଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସେ ଆହୁରି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସିଏ ଆମର ଭୁଲ ହେବା କଥା ନୁହଁ ଆଉ ଯାହା ହଉଛି ପଛେ अच्छा नेक्स्ट देखिबा आउ कोन सेमती इम्पोर्टेंट सबमिट हेतला अच्छा नेक्स्ट आउ उटा देखिबा आपन को अच्छा आउ गोटे देखियो टिके डाउट लागुछि मते ना चेंज करिवार माहिर आउ हेबा कथा नुह कि आपन को सेमदि भी मो हिसाब रे जेमदि एक्चुअली सतो बेले ए माने खाली नुह आपन को समस्त ही ना चेंज करनती ओके एटा होछि पॉलिटिक्स रो गोटे खासियत आपन को नहले आपन को जानिबे केमदि कहिले लोक ଆପଣ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେଇ କଥାଟା ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କଥା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ଚାରିଆଡେ ଦେଖିବେ ବିଜୁମୟ ହେଇଯାଇଛି ଓକେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟା ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ବି ମହାନ ନଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ପାଣି ହେଇକି ବହିଯିବ ଓକେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଡର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଶେଷ ଯୋଗଦାନ ଅଛି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ସବୁ କିଛି ନଥିଲେ ଓକେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣିବାରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଥିଲା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ଓକେ ଚାରିଆଡେ ବିଜୁମୟ ହେଇଯାଇଛି କଣ ପାଇଁ ଓକେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସବୁଠୁ ଗ୍ରେଟ୍ କାମ ହେଲା ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଓକେ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ସେଟା କହିପାରିବାନି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ଇଏ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି କଥାଟା କୁହନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଏକ୍ସେସ ଅଫ ଏଭ୍ରିଥିଂ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ପରିମାଣରେ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋଇଦେବ ପୁରା ଆପଣ ତ ଅମର ନୁହନ୍ତି ନା ସବୁଦିନ ତ ଆପଣ ଶାସନ କରିବେନି ସବୁଦିନ ତ ରହିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆଉ କିଏ ଆସିବ ରୁଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ସିଏ ଧୋଇଦେବ ସବୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ସିଏ ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣ ମୂଳରୁ ହିଁ କରିନଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ ଯେମିତି ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଓକେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚରା ହେଇଥିଲା ମୋଦିଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ବି ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଗୋଟେ କଥାଟା ମୁଁ ସିଏ କହିଥିଲେ ଥରେ ଥରେ ସ୍ପିଚ୍ ଦିଆହେଲୁ ପଚରା ହେଲା ବେଳକୁ ଯେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଇକି ରହିବ
মানে যদি কহিবা ত মানে আপনক নারে সব বিভিন্ন জিনিস করিবা দরকার এমতি কোশ্চেনটা উপরে থিলা তো মোদি সে তো হ্যাঁ সেতবেলে এই যে আপনার যে সর্দার বল্লভভাই পটেল স্টাডিয়াম র রিনেমিং হই নথিলা যেতবেলে ইলেকশন প্রচার করতলে সেতবেলে মোদি কইতলে তাকু জাস্ট কাউন্টার কোশ্চেন পচাইলে বেদ কিয়ে লিখিছতে ওকে বেদ কিয়ে লিখিছতে তাকু পচাইলে সে কই পালা অবিয়াসলি কেই কই পারিবেনি আপনক যদি বেদ ভিয়া এত মহান গ্রন্থ লিখিবার লোক যেটা কি আমি এবে সুদ্ধা বেনিফিট নৌ বেদর ওকে তাঁক না আমি জানি না মু মোদি মু কিয়ে মো না কোন রহবা দরকার বলে সি এই কথাটা কহিলে কিন্তু এবে সি ভুলি গলে তাঁক না সব রিনেমিং হচ্ছে কোন করা সে না রে কিছু নাই আপনার যদি কাহা না রে করবে আপনার যদি আপনার বাপ না রে করা স্বতন্ত্র আপনার যে পার করব সি আসিক আপনার বাপ না কু লিভাইবার বি ওস্তাদ থাকবে সি তো কেবে গ্রহণ করবেনি তো সেইপাই সবুঠু বেটর নির্বাদীয় লোক মানুষ নিয়ে কর নহলে ওড়িশা রাজ্য হচ্ছে আমার ওড়িশা ওড়িশা লগাই দিও না ওড়িশা ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলোজি দিয়ে দিও যেমনি ওইউএটি আপনার ওকে ওড়িশা উৎকল কলিঙ্গ সেমতি দিয়ে পারিবে ওকে বিভিন্ন প্রকার যোজনার আপনার ওড়িশা নাটা জড়ু সেটা বেটর কোণ পাই না সেটা কে চেঞ্জ করবেনি আপনি আপনার খালি না কু শুনেবে শুনেবে লাস্টে কোণ হব আপনি আসবে সি আপনার না কু উড়াই দেব সেটা অপমানর কথা নুহ কি ওকে তো সেইপাই এ না চেঞ্জ করার কথা নুহ যেমন আপনার যেমনি আগে যেতবে ইসলামিক রুলর্স মানে সব আসলে সে হিসাব না চেঞ্জ করেদেলে তো এমানে পুঁ চেঞ্জ করছেন পুঁড়ি আউথরে কি আসবে মনে কর খ্রিস্টিয়ান কি যদি আসিগলা শাসন কু আমি কোণ কহিপারে আসবে নি ওকে রাজনীতি কেবে স্ট্যাটিক নু সেতবে আসবা সে কোণ সব করদেবে নি কি আহ কোণ নেই কোণ না সেন্ট জাভিয়র কোণ কোণ ইত্যাদি সব লিখি দিয়ে না চেঞ্জ করদে পারতে আমি কহিপারে না সেই তো সেতরে মো হিসাবে আপনার পড়া জরুরি না ওকে এগুলা সব চালিয়ে সে করবে আমার কাম হচ্ছে যেটা যা না হলে আমি শুনবা বাস তাকে দেখি চালা ওকে আছে নু আচ্ছা আমি আগে কু আসবা কত নম্বর পয়েন্টটা ভুলে গেলে কত নম্বর পয়েন্টটা কুহতু কত নম্বর পয়েন্ট হব কত 21 21 ওকে তো সেই মো হিসাব সমস্ত ভিতরে ভাইচারা রকমু আমি কিছু কেহি বি করতু না যা আহকু হট হব ওকে কিংবা আপনি ডরব আপনার ওকে আপনার এমনি নিজের মাহল বি ক্রিয়েট করতু যেমনি আজকে আপনার পাখে সিকুরিটি ফিলিং করব যে লাগবে না তা পাখে সুরক্ষিত অছি ওকে কিন্তু বর্তমান রাজনীতি সেটা মানে না কে বরাবর ছাড় তো কোণ কেবা আমার কিছু কেবার না সেতরে বেজিং ডিক্লারেশন ওকে বেজিং ডিক্লারেশন মেইনলি রিসেন্টলি আপনার নিউজ রে থিলা এটা কাহা সহিত রিলেটেড থিলা জাস্ট আনসার দেলে বেজিং ডিক্লারেশন কাহা সহিত রিলেটেড থিলা আপনার এটা বি ব্রিক্স সহিত থিলা নু কি আপনার ব্রিক্স সমিট সহিত থিলা BRICS ব্রিক্স বিষয়ে বহুত ডিসকশন কলেনি তথাপি লিখি দিতাম তো আপনার যে 14th ব্রিক্স সমিট হেলা যেটা আপনার মেইনলি অন্ডার দ চাইনিজ প্রেসিডেন্ট যে আপনার যদি কহিবা জি জিনপিং ওকে তাঁক দ্বারা ভর্চুয়াল ফর্মাটে হইলা সেইটি আপনার মেইনলি ওকে এই কথাটা আপনার যে ডিক্লারেশন হেলা ওকে সেই কথাটা আপনার আসলা মেইনলি রুশিয়া ইউক্রেন ওয়ার উপরে থিলা বেজিং ডিক্লারেশন যে সেমানে যুদ্ধ করিবা বদলে কথাবার্তা করন্তু সেই কথাটা আপনার থিলা ওকে আর সেই কথাটাকু নেইকি হি আপনার যদি কহিবা বেজিং ডিক্লারেশন আপনার রিলেটেড থিলা ওকে আচ্ছা 2023 এইটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইটাকু মনে নিহাতি রাখিবে আপনার 22 ওকে সেইটা হচ্ছে জি20 সমিট 2023 কোটি হোস্ট হব ওকে হোস্ট কোটি হব এইটা আপনার নিহাতি এক্সাম রে আসিব মু তো কইছি কনফার্ম এটা আসিব ইয়াকু মন রাখিতে ইন্ডিয়া সে না হ ইন্ডিয়া রে যে স্টেট টা কোন স্টেট নিউজ রে দিলা ইন্ডিয়া রো জম্মু এন্ড কাশ্মীর রে হব ওকে জি20 সামিট আপনার জম্মু এন্ড কাশ্মীর রে হেবার আপনার ঠিক করা হইছে ওকে তো মেইনলি সেইতি পাই ইম্পর্টেন্ট কোন পাই না ইয়াকু পাকিস্তান আপনার অপোজিশন করুতলা ওকে অপোজিশন এবে বি সিয়ে করুছি আপনার যদি কহিবা যদি মানে জি20 মিটিং কাশ্মীর রে নহেবা পাই আপনার কিন্তু মো হিসাব রে মু যদি কহিবি মতে যদি সাজেশন কি কুহতি আপনার জম্মু কাশ্মীর রো সলিউশন কোন এমতি হেবা অপেক্ষা বেটার যিয়ে যাহা রাখিছে ছাড় দিও তাঙ্কু সরলা কাম আপনার যিয়ে যাহা রাখিছে ছাড় দিও তো বেটার রে রুহতো ভল রে রুহতো সমস্ত ভিতরে সম্পর্ক রহিব ওকে যেমতি আপনার যদি কহিবে যদি ইমাজিন করন্তু ইন্ডিয়া পাকিস্তান ভিতরে যদি ভল টর্মেন্ট কন্ডিশন থাকা যেমতি নেপাল সহিত অছি নেপাল সহিত টিকে প্রবলেমেটিক হয়ে গেলানি কিংবা ভুটান সহিত অছি কিংবা ইভিন বাংলাদেশ সহিত অছি
ओके आपन को जो लोक माने रिलेशनशिप सब रहउछन बहुत पाकिस्तान लोक इंडिया रहउछन इंडिया लोक पाकिस्तान रे रहउछन रिलेशनशिप रहउछन से गुडा बेटर से मैनेज हे परबो ता छोटा ट्रेड आपन को डेवलपमेंट हबो आ सतो कहले बेनिफिटेड इंडिया बेसी हबो ओके कोन पाइना आमे बिक्री करि परबा से माने तो किणीबा लोक ओके से माने कम दाम रे पाई परबे आमर इकोनॉमी बूस्टिंग करबो ओके एथरे किसी नाय एगुडा सब फालतू जिंस रे में बाहरिबा दरकार टाइम आसी गलानी से जिंस गुडा को छाड़ देबा दरकार ओके अच्छा नेक्स्ट आउ गोटे जदि कहबा तो G20 समिट एटा निहाती मन रखिए वेरी 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 इंपोर्टेंट लिखि देथन पारछन रेड कलर लिखि देथन तो एग्जाम रे आसीओ ओके आपन को नहले को दिल्ली रे न्यू दिल्ली मार देबे आपन को 23 रे लेखो तो आपन को ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव ग्लोबल आपन को बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 ओके एटा आपन को बोन रहला बोन ओके बोन रे हिचे बोन डा कोटी जर्मनी कोनसी भी कंट्री ओके केबे भी वार रे आसीबा उचित नो वार काहरी भी भलो करी नाही आज पर्यंत ओके वार जेबे भी हिचे केवल क्षति ही हिचे तो सेति में वार केबे भी भलो नो हिंसा रो रास्ता डा केबे भी भलो नो ओके अमर कोहा जाय नै ना गोटे चाणक्यंकर कोटेशन डा मोर मने पडला जे हेतु कहिले माने शांति की मार्ग प्रगति की मार्ग होता शांति रो रास्ता टा होची प्रगति रो रास्ता आ युद्ध सीधे मौत की तरफ जाता है नोही युद्ध सीधा मृत्यु आड़ को ही जाए तो युद्ध केई अपन कर प्रेफरेंस करबा कथा नु हो ओके अच्छा तो एटा को लिख देथन तो ग्लोबल अपन जदी कहबा बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव अपन कर बोन जर्मनी रे अपन कर हितला आ गोटे भी कथा आ गोटे वर्ल्ड पीस फोरम ओके वर्ल्ड पीस फोरम लिखो तो 24 रे वर्ल्ड पीस फोरम कथा कहउछन्थे पीस फोरम आपन को जदि कहबा रिसेंटली ऑर्गेनाइज हेतला कोठी सिंघुआ यूनिवर्सिटी एटा कोठी बेंजिंग चाइना आपन को शांति दूत होइछि से शांति कथा कहउछि पता नै से को प्रकार शांति दूत ओके इंडियार अम्बासडर टू चाइना प्रदीप कुमार रावत आपनकर सेतरे पार्टिसिपेट करथिले ओके तो मेनली आपनकर जदि कहबा वर्ल्ड पीस फोरम आपनकर चाइना रे आपनकर हेतरा क्वेश्चन सेटा ही आसबो व्हिच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड पीस फोरम ओके सेटा आपनकर चाइना जदि कहबा आपनकर ऑर्गेनाइज्ड करथिला ओके सेटा भी आपनकर सिंघुआ यूनिवर्सिटी बेंजिंग रे आपनकर हेतला ओके याकु मन रखंतु तापरे नेक्स्ट देखिबा गोटे इशू सेमती आ गोटे सबमिट आपन को एटा चिन्ह दे एटा ढाबा मार की भी आपन बजी दि परबे सेडो छाड़ दवा जोगुडा आपन को हे परबो कोऑपरेशन समस्त को जरूरी नो की अच्छा एशियन कथा टिके देखिबा ताको काई भूल जिवा ओके आपन को जदि कहबा एशियन एसोसिएशन एशियन रो फुल फॉर्म आपन माने लेखो दो एशियन एसोसिएशन 2022 रे यार चेयर कियतिला बा होस्ट आपन कहि परबे एशियन विषय रे कोन जान छथि कोह दो फुल फॉर्म डा एटलीस्ट लेखो तो बाकी तो मु अछि कहि देबी ओके एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ओके निश्चिंत हाब रे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस अच्छा एटा गोटे आमे जान छथि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या बिषय माने समस्त जान छथि ओके अच्छा गोटे पचारु छी कोन यार मोटोटा कोन एशियन रो आसियन रो मोटोटा कोन कहिले एग्जाम रे पढ़ी नि थोरे भी हुए तो पढ़ी पारे अपन कर ओके एशियन डे भाव रे हमें एशियन टा लिख दी थन तो या पर क्वेश्चन आसी पारे अपन को जदी कहिया यार चार एथरो अपन कर कंबोडिया पखरे थिला कंबोडिया ओके कंबोडिया पखरे यार चार थिला पर कोन लिखि चंदी एशियन समिट न कोन से लिखै छै एसोसिएशन लिखै छै खाली एशियन लिख दी थन तो मु लिख दी छै गोटा ओके एशियन एसोसिएशन इंडिया नॉट ए मेंबर ओके इंडिया नॉट ए मेंबर ठीक अछि म त खाली कोन दो यार मोटोटा को मने पडुची जदी ओके
अच्छा ठीक अछि मो सहित लेखिबे एगुडा मेनली यार मोटोटा एग्जाम रे आसी परे यार थोरे भी पचिरे हि नि ए कथाटा तो जोटा पचिरा हि नि माने ग्रे एरियाटा वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी ओके वन विजन वन आइडेंटिटी आउ हला वन कम्युनिटी वन कम्युनिटी इटा होची तार मोटो मेनली अपन को 8 अगस्त को 8 अगस्त ओके 8 अगस्त को एशियन डे बोली कहा जाय एशियन डे बोली कहा जाय यार सेक्रेटरीट बा एज हेड क्वार्टर जदि कहबा जाकार्ता रे ओछि ओके जाकार्ता इंडोनेशिया इंडोनेशिया हमें काली भी इंडोनेशिया विषय रे डिस्कशन करथले तो आज या विशेष किछ कहबार नै ओके अपन को जदि कहबा एतिरे अपन को मेनली जो मेंबर स्टेट जदि हमें कहबा इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड ब्रुनेई वियतनाम लाओस म्यांमार और कंबोडिया अपन को एथरे मेंबर अछि हां इंडिया नॉट ए मेंबर ओके सितल लिखि जों सेटा को समस्त लिखि दिथो नले एशियन कथा जत आसब मार देबे इंडिया माने कोन मेंबर वाले ओके यार फाउंडेशन जदि हमें ओरिजिन हमें जदि कहबा एशियन रो अपन को ओरिजिन हमें 1967 रे देखो दे ओके 1967 रे मेनली एशियन डिक्लेरेशन जोटा पॉपुलरली हमें बैंकॉक डिक्लेरेशन बोले ओके बैंकॉक डिक्लेरेशन बोले हमें देखो दे बा एशियन डिक्लेरेशन बोले कहा जाए सही हिसाब रे अपन को हेतला फाउंडिंग मेंबर भाव रे फाउंडिंग फादर भाव रे अपन को जो माने थिले मेनली पांचटा कंट्री थिले इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर और थाईलैंड ओके इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर और थाईलैंड थिले मेनली आपन को जदि कहबा 1990s बोल को या 67 रे तो हला बैंकॉक डिक्लेरेशन रे 1990s रे यार मेंबरशिप आपन को डबल हे गला मेनली आपन को जदि कहबा कंडीशन भी चेंज हे गला आपन को कोन पई कहले माने 1975 रे आपन को वियतनाम वॉर होतला वियतनाम वॉर परे तापर आपन को कोल्ड वॉर चलला 1990 आपन को वियतनाम वॉर चलला 1975 रे कोल्ड वॉर 1991 सरला से बहुत गुडा कंट्री आपन को ओरिजिनेट हेगले जेमते आपन को ब्रुनेई कोंतु वियतनाम ओके ब्रुनेई वियतनाम लाओस ओके ए गुडा सब आपन को तो मेनली मेंबरशिप ता यार बढी गला आपन को ओके 84 रे ब्रुनेई असला वियतनाम 1995 म्यांमार 97 कंबोडिया 99 एते मन रखिबा दरकार नै जस्ट खाली मन रे रखि तांतु एतिके ओके अच्छा तो मेनली एशियन हमें जदि कहबा हां अपन को 2015 रे एशियन कम्युनिटी रो लॉन्च हेतला मेनली पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी इकोनॉमिक कम्युनिटी सोशियो कल्चरल कम्युनिटी इत्यादि सब अपन को हेतला ओके तो मेनली ये थिला आसियान विषय रे इंडिया इज नॉट ए मेंबर ओके इंडिया मेंबर नो या को मन रखि तां तो कोन पेना क्वेश्चन रे अपन को सेटा दे देबो कि नले इंडिया को मेंबर भाव रे कर देतबे बहुत तर सेमती हुए क्वेश्चन आसी छै इटा मारे जदि कहबा क्वेश्चन आसी छै अपन को या को लेके तो अपन को आसी पारे अच्छा आउ गोटे कथा अपन को आउ गोटे अच्छा एटा केते नंबर ता थिला 25 26 बहुत गुडा इंटरनेशनल इशू बे आज डिस्कशन हे गेला बेटर हबो कवर हे जबो गोटे रे अपन को इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कोठी हेला इंडिया इंटरनेशनल सी फूड एटा इंपोर्टेंट नो तथापि लेखि देथां तो ओके सी फूड शो एटा को सिटी रे हला के कोइ परबे को माने टिके इंटरेस्टेड सी फूड विषय रे कहले को माने खाइ जदी आपन को ऑक्टोपस ऑक्टोपस खाइ जदी ऑक्टोपस केबा जो को साप फाप गुडा भी थांदे से गुडा सब के खाइ जदी आपन ओडिसा रे भी ऑक्टोपस मिल जदी ना ओडिसा रे भी ऑक्टोपस एबे मिलले भुवनेश्वर रे भी गोटे जगह रे मिलु छी आपन को ओके मिलु छी गोटे भुवनेश्वर में गोटे जगह रे मिलु छी आपन को ऑक्टोपस अच्छा मिलू नहीं भुवनेश्वर रे ना खाई ना दि कहो छ मिलु छ गोटे जगह रे ओके मु थरे गोटे ब्लॉग टा गोटे देखि दिली सेट देखौतला तो जाय भयो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड सो सी फूड बहुत टेस्टी को आ जाय मु तो खाई नि केबे छानो तो सेडा अपन को कोलकाता कोलकाता रे अपन को ऑर्गेनाइज हेतला 23rd टा ओके एटा होची 23rd सेशन माने जदि कहबा एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो जोटा कोलकाता रे अपन को जदि कहबा मेनली जदि कहबा ओके आउ किछ दरकार नै एटा खाली कोलकाता लिखि दिसन दे दी हो एटा गोटे क्वेश्चन अपन को हेई पारिबो
ओके एटा 26 जेहेतु कॉमनवेल्थ रो आपन को राणी कर थरो डेथ हो गला माने हमर जो राणी न था ना हमको मोहुबास कोंतु किबा पिंपुड़ी कोंतु जंदा कोंतु ए मान कर गोटे राणी था ओके राणी था मोहु मान कर देखिबे से राणी जुवाड़े जीवो से माने सब जीवे आपन को राणी बे से राणी आपन को था एग्जैक्टली पृथ्वी रे भी सेमिति गोटे राणी थिले ओके सिए हो जों भी के एलिजाबेथ 2 जे आपन को रिसेंटली डेथ करछि सिए हो जों राणी आ तांको संगठनटा को बा मोहु बासटा जोटा कोइ परबे से हो जे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ओके कॉमनवेल्थ जोटा को हमें कहंती पॉपुलर पता नहीं कोन पे से संगठन को रखी जों से को मन रखिया पे इंडिया भी गोटे पार्ट पता नहीं कोन पे चारो तो सिए जाबियो से राणी को डेथ हो जाय छि तो इंपोर्टेंस सेत पे हो छि आपन को क्वेश्चन आया है परे व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ओके कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 अपन को किए होस्ट करथिला क्वेश्चन सेटा अपन को आसी परा एटा होची 65th ओके 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ओके एटा मेनली हालिफैक्स कनाडा लिखि दे थादो कनाडा ओके हमर इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी आपन को ओम बिरला हमर आपन को अटेंड करबे ओके तो ये होचे एटा को भी आपन को मन में रखि थादो ओके अच्छा तो अच्छा आउ गुटे देखिबा आपन को इंडिया क्लीन एयर समिट आउ दीटा के तो कवर करिबा मु भाबुछि सफिशिएंट हे जो ओके इंडिया क्लीन एयर समिट एटा को आपन को कोया जे आईसीएएस ओके इंडिया क्लीन एयर समिट बेंगलुरु रे आपन को हेतला बेंगलुरु रे आपन को हेतला ओके मेनली एटा होची फोर्थ एडिशन मेनली आपन को जदि कहबा सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज एटा लिखि देथा तो कि आपन को बॉडी रिस्पांसिबल गोटे थिंक टैंक आपन को सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज ओके सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज या द्वारा आपन को जदि कहबा हां आ गोटे बॉडी आपन को सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी अच्छा मु एडा को शॉर्ट फॉर्म रे लिखि दउ छी आ कहि दउ छी आपन एटा एटा होची सीएपीएस सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज ओके सीएपीएस सेम दे आ गोटे बॉडी होची आपन को सीएसटीईपी सीएसटीईपी ओके सीएसटीईपी को सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी ओके ए दीटा बॉडी रो बा अपन को जदि कहबा जो थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन गुडा अछते सी दी दी जण को इनिशिएटिव रे प्लस सेवरल एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओके ताकर इनिशिएटिव रे अपन को इंडिया क्लीन एनर्जी सॉरी क्लीन एनर्जी को जे क्लीन एयर समिट बा आईसीएएस रो ऑर्गेनाइजेशन अपन को जदि कहबा बेंगलुरु रे अपन को रहिछ ओके अच्छा आ गुटे कहिले G20 रिलेटेड अपन को अच्छा G20 टा को भी डिस्कशन कर दवा G20 समिट अच्छा जी ए जो G20 प्रेसिडेंसी इन 2020 ओके प्रेसिडेंसी इन 2020 2022 रे अपन यार प्रेसिडेंसी कहा पाखरे अपन को अछि G20 रो G20 रो 2022 रे प्रेसिडेंसी कहा पाखरे अछि सर इंडोनेशिया यस ओके इंडोनेशिया पाखरे अछि हां इंडिया हमें ऑलरेडी कहि सालेनी G20 रो सी अपन को 2023 टा 2023 टा अपन को इंडिया रे अपन को होस्टिंग होबो सेटा भी जम्मू काश्मीर रे होबो एटा हमें ऑलरेडी कहि सालेनी ओके ए कथा हमें कहि सालेनी तो मेनली G20 कथा जते बडा हमें कहंती ओके अपन को 19 अपन को जदि कहबा 1919 रे एयर फाउंडेशन हेतला ओके फॉर्मड इन 1999 रे हेतला ओडिसा पय बहुत खराब थिला 2000 सॉरी 1919 रे हम जान छथि महावात्या आसीला ओके
तो मेनली जो 1990s रो बा 1990 बोल को जो आपन को फाइनेंशियल क्राइसिस देखा देला सेटा मेनली ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को पर्टिकुलरली आपन को हिट करथला ओके तो मेनली ई जो मिडिल इनकम कंट्रीज गुडा सब रहिले ओके आपन को ईस्ट एशिया कोंतु साउथ ईस्ट एशिया कथा कोंतु ई जो रीजन रो जो आपन को मिडिल इनकम कंट्रीज गुडा थिले से माने एक्चुअली ई फाइनेंशियल क्राइसिस रो बंचिया पई बा जो ग्लोबल फाइनेंशियल आपन क्राइसिस रो बंचिया पई गोटे प्रकार स्टेबिलिटी मेंटेन करिया पई ए माने गोटे संगठन आपन को तयारी कले जोटा को G20 वाली कहा जाए ओके आ G20 कंट्रीज विषय रे गोटे इंफॉर्मेशन मु आपन को कहबी एथरे आपन को 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अछंती 60% ऑफ आपन को वर्ल्ड पॉपुलेशन ए G20 कंट्रीज रे ही अछंती ओके खाली से या नु आपन को या विषय रे डाटा जदी देखिबे G20 बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन आपन को 80% ऑफ ग्लोबल GDP ओके ग्लोबल GDP रो 80% आपन को जदी कहिबा माने G20 कंट्रीज पाखरे अछि प्लस आपन को 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड ओके ग्लोबल ट्रेड रो 75% हैंडल्ड बाय G20 कंट्रीज ओके G20 कहले 20टा देश आपन को मिडिल इनकम कंट्रीज गुडा हो सेही भितरु किछि एबे आपन को जदी कहिबा एडवांस कंट्रीज भी हे गोलेनी ओके जेमती आपन को जदी कहबा इंडिया एबे फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना एबे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इमिती भाबरे चेंज हे गलानी 90s रो सिनेरियो एबे चेंज हे गलानी तथापि जो माने मेंबर जो माने से माने आपन को जदी कहबा अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कनाडा चाइना फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान कोरिया ला रिपब्लिक ऑफ कोरिया मेक्सिको रूसिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका टर्की यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स इगुडा सब आउ यूरोपियन यूनियन ए माने आपन को G20 रो मेंबर ओके तो ए सब आपन को हां स्पेन को भी आपन को परमानेंट गेस्ट बाबर इनवाइट करा दे किंतु सी G20 रो मेंबर नो ओके स्पेन को इनवाइट करा जाए सेतरे परमानेंट गेस्ट बाबर एक्चुअली को इनवाइटेड गेस्ट उडा को की रेगुलरली राउंड अप हुती किंतु ये होची परमानेंट गेस्ट माने ये आसीबो ही आसीबो लाइक मेंबर ओके आउ ये G20 रो प्रेसिडेंसिप ता रोटेट करे एवरी ईयर अमंग मेंबर्स ओके जो मेंबर कंट्रीज माने अछंती तांको भितरे ये रोटेशन करे ओके तो मेनली आपन को जदी कहबा रोटेशन करे ओके हो आ गोटे भी कथा आपन को मेनली कोन होए गोटे G20 रो गोटे कांसेप्ट जे सेटा होची आपन को ट्रोइका ओके लिखि दे तंदो सेटा ट्रोइका ओके TRO अच्छा अत्र बोल के लिख दो TROIKA ट्रोइका ए ट्रोइका डको ओके ए ट्रोइका डा होची आपन को कंट्रीज गुडा माने मेनली आपन को जो माने ता पूर्व रु थांती आ जो माने परे आसंती से मान कर नै कि आपन को गोटे तयारी ओके माने जदी कहबा कोन कहबी ता अच्छा एग्जांपल सहित कोच बेटर बुझि परबे आपन को देखो तो इंडोनेशिया रे एबे अछि ओके आपन प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया पाखरे अछि लेखि देबा सेटा बेटर होबा आपन इंडोनेशिया अच्छा या पूर्व रु का पाखरे थिला आपन थिला इटली तापर का पाखरे हबो इंडिया नेक्स्ट ईयर इंडिया ए तीन उडा को ट्रोइका बोली कहा जाय ओके माने प्रेजेंट जा पाखरे अछि ता पूर्व रु जा पाखरे थिला नेक्स्ट जा पाखरे आसबो बा प्रेसिडेंसी दा सेटा को ट्रोइका बोली कहा जाय आपन G20 रे ओके हां G20 रो जदि एग्जाम रे से सेक्रेटेरिएट कोटी बा हेड क्वार्टर कोटी नाही ओके G20 हैज नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट ओके आपन को जदि कहबा हां आ गोटे भी कथा एबे जस्टली हमर ऑब्जेक्टिव वाइज वेबसाइट को जे फॉलो करचोते सेथरे भी मु ऐड करतली गोटे कांसेप्ट शेरपा ओके शेरपा बोली गोटे ऐड करा हेतला के पढी चोते जदि पढी ना ते छाडो तुम कहि दो छी आपन को एथिर एक्चुअली कोन जो माने ए जो G20 मीटिंग रो एजेंडा रे जो माने पार्टिसिपेट करोते सेमान को शेरपा बोली कहा जाय ओके आपन को शेरपा बोली कहा जाय नॉर्मली आपन को मेनली जो फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक ई मान को सब शेरपा बोली कहा जाय शेरपा ता मेल नेपाली स्टार जो माने कि आपन को गाइड भाबरे यूज करोती सॉरी गाइड भाबरे जो माने हिमालयन माउंटेन रे जो माने आपन को माउंटेनियरिंग करोती बा पहाड़ चढ़िया पई जानते सेते बेले माने शेरपा माने आपन को गाइड भाबरे काम करोती ओके ताकू नै कि ए मान को एक्चुअली जे गाइड भाबरे जेहेतु रिप्रेजेंट करा जे सेति में ए मान को शेरपा बोली कहा जे रिसेंटली भी न्यूज रे थिला हमर वेबसाइट रे भी ताकू कवर करा हेतला
जो माने पढ़ीथिबे निश्चिंत भाबरे देखिथिबे ओके अच्छा नेक्स्ट देखिबा शेरपा शेरपा आथिला ओके न्यूज रे थिला तो हुए तो आपन को एग्जाम रे भी आसी पारे ओके हाँ अच्छा आउ गोटे कथा मु भूली गली आपन को सेटा कहबे सेते बेले कहबार थिला इंडिया जापान एनुअल समिट तो इंडिया रे हितला ओके राकेश सेते बेले जापान टोकियो बोली कहितला एक्चुअली सेटा कोन जानु सेटा अलगा जिन सेटा सेटा इंडिया जापान 2+2 डायलॉग ओके सेते बेले कहि देतले हितदा हे दादा सेटा आपन को इंडिया जापान 2+2 डायलॉग डा आपन को टोकियो रे हितला ओके 30 नंबर रे लिखो दो इंडिया औ जापान ओके इंडिया जापान 2+2 डायलॉग 2+2 डायलॉग कहले को तांकर दि जण मिनिस्टर आसीबे अमर दि जण मिनिस्टर आसीबे सेटा को 2+2 डायलॉग को जे रिसेंटली यूएस सहित भी आपन को रहितला ओके अच्छा इंडिया जापान जो 2+2 डायलॉग डा सेटा आपन को टोकियो रहितला ओके टोकियो रहितला आउ मेनली अमर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आउ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ए माने जायतिले आउ से माने आपन को जापान रो काउंटर पार्ट बा जापान रो जे डिफेंस मिनिस्टर आउ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू आपन को टू टू मीटिंग आपन को हेतिला ओके तो एटा टोकियो रे हेतिला से दीटा भितर कन्फ्यूज हेबे नि एनुअल समिट इंडिया जापान आपन को जदि कहबा इंडिया रे हेतिला आउ इंडिया जापान 2+2 डायलॉग डा सेटा आपन को टोकियो रे हेतिला बा जापान रे हेतिला ओके अच्छा नेक्स्ट देखिबा आउ कोन मीटिंग सेमिति हे पारिबो मीटिंग तो एत्ते गुडाए अछि किंतु सब गुडा तो आपन एग्जाम रे आसीबो नि तो से गुडा को टिके टर्म गुडा को देखुथिबे कोटा एनुअल समिट अछि कोटा आपन को जदि कहबा माने 2+2 डायलॉग अछि ओके एबे तो से गुडा सब चली छि किंतु जाहे भी को दो आमर जो एस जयशंकर जे सर हो को दो सर क्वाड भी सेट हेतला ना हो क्वाड मीटिंग भी आपन को जापान रे हेतला सिंजो आमे को जोडा ब्रांच हेड सेट क्वाड रो मीटिंग दा सतो पहिले इंपोर्टेंस एथि पई मते लागनी एग्जाम पई कोन पई कहले सेटा इनफॉर्मल संगठन दा बुझी पाले सेटा कोन आपन को फॉर्मल की सेटा क्वाड सर ए माने को संगठन चली आसीले ए माने को सेमती गोडे खिची हेची जेमती हमर एक्सेस पावर थिले आपन को सेंट्रल पावर थिले वर्ल्ड वार समरे एगुडा को आपन को लागु छी जदि इन केस खिची होय इंडिया मान को सहित पार्टिसिपेट करके युद्ध करियो आपन को लागु छी जे अमेरिका को इंडिया हेल्प करबो कि ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करबो आपन को लागु छी इंडिया के पार्टिसिपेट करबो सेमती वार हेले किबा चाइना अगेंस्ट रे खिची वार हेले आपन को लागु छी सेमती इंडिया हेल्प कर परबो कहले व्यू देले आपन को देखिबा ओनली सॉफ नहीं ऑडियो ऑन करकी कोन तो सर सी गोटे खाली फॉर्मली गोटे किछि सपोर्ट के कारण है इही कारण से माने करि पारे एटलीस्ट इंडिया तो करिबनी मु कन्फर्म अछि ओके इंडिया केबे भी करिबनी एडा केवल सॉफ ओके एगुडा माने माने खाली फुटाणी मारछंदी अवश्य गाबर कोन की इंडिया केबे हमर वार रे पार्टिसिपेट करबो सेमती कोनसी अननेसेसरी कॉज रे मते काई सेटा लागेनी ओके हमर सेटा फिदरत रही नाहे इंडियन लोक मान कर सेमती नाही मूल रुएला आमे सेमती करी ही परिबा ना केही भी करी परबे नी इंडिया रो प्राइम मिनिस्टर जदी मोदी को जोगी असली भी करबेनी ओके काहे भीतर भी नाही सेटा से टेंडेंसी नाही जे आमे जाई के आ का ऊपर आक्रमण कर दबा हां के जदी अटैक करे निश्चित भाबे डिफेंड करिवार फुल प्रूफ डिफेंड करिवार हम पाखरे मेंटालिटी अछि किंतु काहे के बाहर को जाई कोन पे कहले इंडिया रो आपन को कोनोसी भी रूलर इवन आपन को कहू छी गोटे सुल्तानेट पीरियड रो के मुगल पीरियड रो कथा कहू छी ते मुस्लिम आक्रांत मान को कथा कोआ जे से माने आक्रमण करके आसले निश्चित भाव आक्रमण करके आसले हेतरे मना करिवार किछ नै किंतु इंडिया रो ब्यूटीनेस देखो दो से माने भी इंडिया को आसी गेला पर चुप हेगि रह गेले इंडिया रो से माने केबे भी बाहर को अटैक करिया को जाय ना ओके केबे भी जाय ना कोनोसी भी मुस्लिम रूलर भी इवन आपन को जदि कहबा केही भी जाय ना इंडिया बाहर को अटैक करिया को ओके तो इंडिया को जे भी आसे तार भीतर माइंड सेट ऑफ चेंज है इमेजिन करो तो मोहम्मद घोरिंग कर कथा को तो कि बाकी आपन को तुर्की रो भी रूलर आपन को आसले जो माने कि जदी कहबा इंडिया ऊपर अटैक करियो को आसले किंतु इंडिया रो केबे सेई लोक माने इंडिया रे आसला पर इंडिया रे चुपिक रह गेले से माने केबे इंडिया बाहर को अटैक करले ओके इंडिया रो माटी रो हेडा हलो ब्यूटीनेस ता हला सैया आपन केबे युद्धर परंपरा नै अच्छा आउ गोटे भी क्वेश्चन मु एडा कहितली कि तथापि कह दउ छी आपन को जस्ट मने पड़िला हे
आपको जो स्कोर 2023 रे जो मीटिंग हबो स्को 2023 ओके 2023 रे एटा आपको जदि कहबा होस्ट इंडिया रे हबो ओके इंडिया रे होस्ट हबो एटा क्वेश्चन आसी पारे ओके इंडिया रे होस्ट हबो तो इंडिया रे आपको 2023 रे गुडाय जिंस होस्टिंग हेबार अछि ओके जदि कहबा बहुत गुडाय जिंस हेबार अछि अच्छा तो आउ कोन हे पारे इंडिया रो आमर गोटे अलग प्रकार ही लोक गुडा चिंताधारा ही बदली जाए आपनकर जे भी आसंती एते भाव रे निजो भितरे इन्वॉल्व हो जानती जे आउ माने कोनसी जिंस रे आपनकर हेई पारे ना ओके सेटा भलो भलो पातु निजो देश को अच्छा नेक्स्ट देखिबा ये तो गला आपनकर जदि कहबा समिट कॉन्फ्रेंस रो हो समिट कॉन्फ्रेंस रे हमें गुडा इंटरनेशनल इशू गुडा भी डिस्कशन कर देले ओके बहुत गुडा इंटरनेशनल इशू हमर डिस्कशन हे जाय छे अच्छा एबे गोटे काम करिबा आमे आ गोटे दिन सब कवर करिबा ना आज रखिबा कोंतु जा कहिबे एमदि भी टाइम हे गलानी मु चाहु नै बेस समय आमे क्लास रे बिते आपन कोपेन आपनको पढिबार अछि रिविजन करिबार अछि यदि कहिबे कंटिन्यू करिबा स्पोर्ट्स टा को देखि देबा नले अदरवाइज आमे बंद करिबा कोन कोन जदि कंटिन्यू करिबा ना रखिबा नहीं निजे पढ़ा निहाती दरकार आउ 15 मिनिट रे स्पोर्ट्स टा अच्छा ट्राई करिबा ओके 15 मिनिट रे मु ट्राई करू छी स्पोर्ट्स टा सर खाली हल्के हल्के सर माने जस्ट स्पीड रे 15 मिनिट सर हां ठीक नहीं हमर जोगुडा दरकार से उडा स्पोर्ट्स रे तो एमिति बहुत गुडा इशू अछि सब गुडा को तो कवर करि होवनी हमर स्पोर्ट्स रे अच्छा बेसी नहीं सर इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ओके ठीक अछि तो मेनली हमें स्टार्ट करिबा विजय हजारे ट्रॉफी रु ओके विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 मेनली आमर अच्छा विजय हजारे एगुडा क्वेश्चन रे आसु नाही आमे एगुडा को छाडी देबा ओके एगुडा टोटली कंप्लीटली आसु नाही क्वेश्चन एगुडा को तो अच्छा स्पोर्ट्स रे वेन्यू पचारु छंती माने सेगुडा ही देखिबा वेन्यू गुडा को ही देखिबा आमे फर्स्ट आपण वेन्यू कहले वेन्यू रे स्टार्ट करिबा आपण इंडियन स्टेट इट्स सेट टू होस्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स ओके फर्स्ट करिबा हाँ स्पोर्ट्स रे रेयरली आसे जदि बहुत ही अछि सेटा न्यूज रे तारे आसे हो जदि इंडिया हो किंतु आसी पारे कोन पई कहले आपन एबे देखो तो हॉकी वर्ल्ड कप हेबार अछि ओके हॉकी वर्ल्ड कप हेबार अछि ओडिसा रे हेबार अछि तो निश्चिंत भाव रे आसीबो सेटा ओके क्वेश्चन आसीबो आपन तो कवर कर दवा ताकु ठीक है ओके तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 कोटी होस्ट हबो एटा गोटे क्वेश्चन नै पारे ओके खेलो इंडिया गेम्स आपन कर्नाटक रे होबो एटा लिखि दितांदो कर्नाटक रे हेई पारे किंतु विशेष इंपोर्टेंस नो जस्ट खाली एमदी आपन मने रखंदो ओके अच्छा मते एबे कोंदोडा भरवाली मु पचारु छी जदि जानिथिबे तो बहुत भलो कथा मु भाबु छी जानिथिबे अच्छा रामकुमार रामनाथन को स्पोर्ट्स सहित एसोसिएटेड कहले रोहन बप्पाना और रामकुमार रामनाथन को स्पोर्ट्स सहित एसोसिएटेड स्क्वैश स्क्वास टा कोनटा स्क्वास टा माने सर रोहन बोपन्ना भी कहले हो रोहन बोपन्ना आ रामकुमार रामनाथन रोहन बोपन्ना तो टेनिस टेनिस सहित ही एसोसिएटेड ओके रोहन बोपन्ना आ ओके आपन को टेनिस अच्छा जानी ना माने लिख दिता तो ओके इंपोर्टेंट डेटा कोन में कहले जो एडिलेड इंटरनेशनल एटीपी 250 मेंस डबल्स टाइटल ए माने जीती छथि तो इंपोर्टेंट सेटा ओके मु भी लिखि दो छी आपन को जेहेतु इंडिया पई गोटा अचीवमेंट थिला तो सेटा निहाती दरकार आपन को रोहन बप्पाना याको ना तो जानिथिबे ओके किंतु तांको ना जानिथिबे माने डबल्स खेलुतले आउ जणेले रामकुमार बप्पाना तो सर ऑलरेडी पॉपुलर से हां सीए तो बहुत पॉपुलर आपन को बप्पाना क्यूरेसी बहुत जितुतले मैच निहाती निहाती आपन को तो ए माने जितिले को एडिलेड इंटरनेशनल एटीपी 250 मेंस डबल्स रो डबल्स टाइटल माने जितितले तो सेति पई आपन को इंपोर्टेंट एटा ओके हां आ एटा रोहन बपाना को 20th जो टाइटल ओके रोहन बपाना को एटा 20th टाइटल
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗୁଡ଼ାକ କଭର ହଉ ନାହିଁ ଓପିଏସ୍ ରେ ନୁହେଁ ତ ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଆମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିଲେ ଯେହେତୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ୟାରିସ କନଫର୍ମ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ପ୍ୟାରିସ ରେ ହବ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିପାରେ ଏଇଟା ପ୍ୟାରିସ ଫ୍ରାନ୍ସ ରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ୟୁଏସ୍ ରେ ହବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ସେଟା ୟୁଏସ୍ ରେ ହବ ସେଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଆୟୋଜନ କରିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଫିକ୍ସ ନାହିଁ ନୁହଁ କି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓମେନ୍ସ ହକି ଟିମ୍ ଯୋଉ ଏସିଆ କପ୍ 2022 ରେ କେତେ ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ସାରିଲା କହିଲେ ଆସିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଏସିଆ କପ୍ ରେ କେତେ ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ସାରିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓମେନ୍ସ ହକି ଟିମ୍ ଦେଖୁନଥିଲେ କି କେତେ ନମ୍ବର ସାର କେତେ ନମ୍ବର ସାର ଥାର୍ଡ ରେ କି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ୱିଣ୍ଟର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ରେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଓନ୍ଲି କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ବେଜିଂ ୱିଣ୍ଟର ଅଲିମ୍ପିକ୍ 2022 କିଏ ସେଇଟା ନା କହିବେ ଆରିଫ ଖାନ ଆରିଫ ଖାନ ଫ୍ରମ୍ ଜମ୍ମୁ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଓକେ ଆମେ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଟର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ରେ ଆରିଫ ଖାନ ସିଏ କୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ କହିଲେ କୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସହିତ ସ୍କ୍ୱାସ୍ କି କଣ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ୱିଣ୍ଟର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକାଲି ବୟକଟ କରିଥିଲା ଓକେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ବୟକଟ କରିଥିଲା କେବଳ ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଯଦି କହିବା ମାନେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗଲୱାନ ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ତା ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମର ବୟକଟ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ ଯାହା ବି ହଉ କେହି ଯାଇନଥିଲେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିନଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ କଣ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ କେହି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିନଥିଲେ ଏମିତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ବି ହଉ 2028 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହବ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଓକେ ଏଟା ୟାକୁ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ 2028 ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିବେ ଆମର ସବୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ନହେଲେ ବି ଟିଭିରେ ବି ହେଲେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ପୁଅ ଝିଅ କଣ ସମସ୍ତେ ତ କ୍ରିକେଟ ଲଭର ନୁହଁ କି ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ 1000 ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଓକେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଟୁ
ପ୍ଲେ 1000 ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଓଡିଆଇ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଥମ ଓକେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଲଭର ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପଡିଆ ଅଛି ନା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଗୁଡାରେ ତ ପଡିଆ ବି ନଥାଏ ପଡିଆ ଅଛି ନା ନା ବିଲରେ ଖେଳନ୍ତି ନା କୋଉଠି ଖେଳନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖେଳନ୍ତି ଅଛି ତ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଏରିଆ ଗୁଡାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପଡିଆ ନଥାଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗାଁ ଗୁଡାରେ ଆମର ତ ଏଠି ପୁରା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଡିଆ ଅଛି ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଓକେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ 1000 ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଏ ବାହାରି ନାହିଁ ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ୟା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସିଏ ହଜାରେଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି କହିପାରିବେ ହଜାରେଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଭିତରୁ କେତେଟା ଜିତିଛି 518 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଓକେ 518 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଟିକେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ କରିଛନ୍ତି 1000 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯୋଉ ହଜାରେତମ ମ୍ୟାଚ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଥିଲେ ଓକେ ଆଉ ଯୋଉ 100ତମ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା 100th ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଟା ତାକୁ କପିଲ ଦେବ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ କରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ କପିଲ ଦେବ ତାର କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ 500th ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚ୍ଟା 500ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ କରିଥିଲେ ଓକେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆପଣଙ୍କ 958 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ 936 ଖେଳିଛି ତା ତଳକୁ ଓକେ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି ଯଦି କହିବା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ 7th ରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଇସିସି ଅଣ୍ଡର 19 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଓକେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 2022 ଓକେ ଇୟାର ୱିନର କିଏ ହେଲା କହିଲେ ୟାର କିଏ ଜିତିଲା ଆଇସିସି ଅଣ୍ଡର 19 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଇନ୍ 2022 ରେ ଜିତିଲା ଓନର କିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଓକେ ମାନେ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କର ଜିତିଲା ୟାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ କିଏ ଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ୟଶ ଧୁଲ ସରି ୟସ୍ ଧୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ମାନେ ପୁରା କ୍ରିକେଟ ଗୁଡାକୁ ମାନେ ଘୋଷି ଦେଇଛନ୍ତି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟାକୁ ଜିତିଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡର 19 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ଟା ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବେଞ୍ଜିଂ ୱିଣ୍ଟର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କଥାକୁ ଆସିବା ଆଉ ଟିକେ ସେଇଠି ହିଁ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା କୁଆଡେ ଗଲା ଆମର ୱିଣ୍ଟର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସଟା ଏଇଟା ୱିଣ୍ଟର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହାଏଷ୍ଟ ମେଡାଲ କିଏ ଜିତିଛି ନରୱେ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଓକେ ନରୱେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ହାଏଷ୍ଟ ମେଡାଲ ଟାଲିରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଏ ୱିଣ୍ଟର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଯୋଉ ବେଞ୍ଜିଂ ୱିଣ୍ଟର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ନରୱେ ଆପଣଙ୍କ ଟପ୍ ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା ୱିଥ 16 ଗୋଲ୍ଡ ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ଜର୍ମାନୀ 12 ଗୋଲ୍ଡ ଚାଇନା ହେଲା 9ଟା ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲେ ନରୱେ କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ଯୋଉ ୱିଣ୍ଟର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ରେ ନରୱେର ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ବହୁତ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତାର ସେଟା ତ ହାଇ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ତ ତାଙ୍କର ପପୁଲାର ଗେମ୍ସ ମେବି ୱିଣ୍ଟର ଗେମ୍ସ ନିହାତି ନିହାତି ସେଟା ବରଫ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ନା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଓକେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମତେ ଗୋଟେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆଇସ୍ ୱାଲ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯଦି କହିବା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲା ଓକେ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ଆଇସ୍ ୱାଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ competition which state or UT hosted India's first ice wall climbing competition okay Karnataka kahile acha eta kon kahile Karnataka kon pai kahile mu hosted kie korithila pachali apankar hosting korithila Ladakh okay Ladakh re borof achi na apankar ଲଦାଖ ରେ ବରଫ ଅଛି ଆଇସ୍ ୱାଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେନଲି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଇଣ୍ଡୋ ତିବେତାନ ବର୍ଡର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବା ITBP ର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର
এই কম্পিটিশনটা কো অর্গানাইজ করিলে ইন এটা হেইছিল না হবো স্যার কোন কইলে এটা হেইছিল না স্যার হবো সরি যাইছি সরি যাইছি এটা এটা সরি যাইছি আপনকো ওকে এটা সরি যাইছি মেইনলি আইটিবিপি অর্গানাইজ করিলে এটা কো তো মেইনলি আইটিবিপি প্লাস লাদাখ মাউন্টেনিয়ারিং গাইড অ্যাসোসিয়েশন যো এলএম জি আছে এ মানে আপনকার ফর দা ফার্স্ট টাইম ইয়াকো অর্গানাইজ করিলে ওকে প্রথম থর পাই এটা আপনকার হেইছিল আচ্ছা এবে গোটে কথা কওঁ তো এবে আপোনাৰ ভেনিউ অফ নাইন আপোনাৰ আই এছ এছ এফ ৱৰ্ল্ড কাপ এইটা কোন খেল সৈতে ৰিলেটেড ফাৰ্ষ্ট কথা মতে কওঁ তো আগ এটা শ্বুটিং শ্বুটিং আচ্ছা শ্বুটিং সৈতে ঠিক আছে শ্বুটিং সৈতে ৰিলেটেড ইয়াৰ কোটি আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ 2020 ৰ ভেনিউ কোটি হ'ল কোটি হ'ল অৰ্গেনাইজ কোটি হ'ল এটা কোটি হেলা কাইরো কাইরোটা কোটি কো কন্ট্রিরে কি কই পারবে ইজিপ্ট ইজিপ্ট ইয়েস কাইরো ইজিপ্ট রে হেলা ওকে আমার ইন্ডিয়ার গোল্ড মেডেল যে জিতিলে সে হচ্ছে সৌরভ চৌধুরী সৌরভ আপনকার চৌধুরী ইয়ে যদি কইবা গোল্ড মেডাল 10 মিটার এয়ার পিস্তল রাইফল রে আপনকার 10 মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্ট আচ্ছা এ বর্ষ আমার দেখুন কমনওয়েলথ গেমস রে ইন্ডিয়ার কিছু মেডাল টালে কম হইতিল কোন পাই কম হেলা কইলে মানে জানি শুটিং গেম কোন কইলে জানি শুনি শুটিং কো অ্যাড করন নছিল হ্যাঁ শুটিং কো অ্যাড করন নছিল সেইতি পাই ইন্ডিয়ার আমার কমি গলা টিকে ন হলে আপনকার অদারওয়াইজ আর বেটার পজিশন হই পাই থাতা ওকে শুটিং টা কো সেমানে অ্যাড করন নছিল আচ্ছা নেক্সট আ গটে আপনার আইসিসি ওমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ এইটা কই দেব বোধে আইসিসি যে ওমেন্স ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ অস্ট্রেলিয়া করিব আর কোন ফুটবল করিব ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ আপনার কোটি ভেনু হইতিলা কোন তো ভেনু স্যার ওয়েস্ট ইন্ডিজ রে থিলা ওয়েস্ট ইন্ডিজ রে হেলা 2022 টা স্যার জিতি থিলা স্যার অস্ট্রেলিয়া আপন এমতি কোন কইলে আপন এটা নিউজিল্যান্ড রে হেলা বদে আপন ওয়েস্ট ইন্ডিজ কইলে মত ডাউট লাগলা সেতি খেয়াল পড়নি কিন্তু জিতি থিলা স্যার অস্ট্রেলিয়া স্যার ওকে আর নিউজিল্যান্ড লিখি দিতা তো ওকে হোস্ট আপন কো যদি আউ কি কোন কইছতি ওকে নিউজিল্যান্ড রে আপন কো মেইনলি নিউজিল্যান্ড রে আপন কো হেদলা ফার্স্ট ইট অ্যাকচুয়ালি 2021 রে হেবার দিলা কিন্তু সেটা হেই পারি নথিলা তো 2022 রে আপন কো রহিলা কোভিড পাই আপন কো হেই নথিলা তো মেইনলি আচ্ছা ইয়ে গলা ছাড়ো তো এ ক্রিকেট কথা বহুত হয়ে গেলা এতে আমার বিশেষ নাহি যদি কহিবা হ্যাঁ আউ গোটে এই আইএসএসএফ ওয়ার্ল্ড কাপ কথা যে মেডাল টালি রে টপ রে কি আছে আপনকর মেডাল টালি টপ রে ইন্ডিয়া থিলা ওকে ইন্ডিয়া আপনকর হাইস্ট যদি কহিবা 7 গোল্ড 2টা সিলভার গোটে ব্রোঞ্জ মেডাল সহিত টপ পজিশন রে থিলা আপনকর তা তলক নরওয়ে আপনকর যে 6টা গোল্ড সহিত আপনকর থিলা আচ্ছা ওমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ এটা মুঁ জাস্ট কহুছি আপনকু জাস্ট এটা লেখিবা দরকার কি নাই মুঁ জানি পারুন এটা অ্যাকচুয়ালি হাইয়েস্ট উইকেট টেকার ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ওমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ ওমেন মানকো ওয়ার্ল্ড কাপ হিস্ট্রি রে হাইয়েস্ট উইকেট টেকার ভাবরে কি আপনকর পজিশন কু পাইলে কহিলে আপনকর ইন্ডিয়া সহিত রিলেটেড যেহেতু সেইতি পাই ইম্পর্টেন্ট ঝুলন গোস্বামী ওকে লেখি দিতাম তো ঝুলন গোস্বামী মেইনলি হাইয়েস্ট উইকেট টেকার ইন দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ওমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ ইয়েস ঝুলন গোস্বামী আপনার যদি কহিবা 31টা ম্যাচরে সে 40টা উইকেট সে নিয়েছেন ওকে ইয়া পূর্বর এই রেকর্ডটা আপনার অস্ট্রেলিয়ার লিন ফুলস্টন নাঁরে লা তা সে আপনার যদি কহিবা ভাঙ্গিছেন ওকে আচ্ছা গোটে কাম করিয়া 10:30 হয়েগলা বেটর হব আমি গুড়ায় তো অলিম্পিক ফলিম্পিক গুড়া কভার করদেলে যাহা রেস্ট অফ আছে আমি দেখিবা নেক্সট ডে আজ এতকি রখিবা হ্যাঁ আজি ঠু আউ থরে টেস্ট অপলোড হব যেমতি আজ ইউজুয়াল আজ 20টা কোশ্চেন দিয়ে দিয়া হব ওকে ডেলি টেস্ট রে 20টা কোশ্চেন দিয়া হব আজ আজ ইউজুয়াল আমি ভাবুছি করেন্ট অ্যাফেয়ার্স কু বেস্ট করি দিয়া হব যেতকি পর্যন্ত আমি ডিসকশন করছি ওকে সেটা দ্যাট উইল বি বেটার আপনকার
आउ रिविजन भल भाव करूँ डाउट अच्छी रखि था सटरडे संडे आप रेडी था मॉर्निंग रु 7 बेलू आम डिस्कसन करवा चाहिए से दिन समस्त कोऑपरेट करेंगे आम जितकी भी स्टूडेंट अच्छा जो मैंने क्लास करो मैंने करना चाहते कथ तो मुझे कहूने जो मैंने क्लास कर 7 बेलू आसवे प्लीज ओके 7 आम जितेटा भी हो पार सब गुड़ाक ना कौन पाई ना फाइनाल डे रिविजन टा तापर आपको जो लगे आ गए मॉक टेस्ट नवा दरकार आम मंडे से ना अदरवाइज आउ मॉक टेस्ट नवा दरकार ना आम बहुत टेस्ट नहीं सारे ओके 40 टेस्ट आम नहीं इमाजिन करूँ तो यूपीएससी लेवल रिशा टेस्ट नहीं ओपीएससी लेवल रसटा टेस्ट नहीं मानते बहुत हेवी हो जाए टेस्ट मुझे भावुँ आ टेस्ट दरकार ना तो ये थी फाइनाल कथा क्लास को आज ये रखा आ भल भाव रिविजन करते समस्ते एथर जमी समस्ते क्लीयर करके चलते ओके कहीं जमी रे ठीक अच्छे तो आज है 6 हुए तो आज रेजल्ट आसवा विषय कौन अच्छे फाइनाल रेजल्ट 2020 किसी शुणी का पाखे किसी न्यूज अच्छे हुए तो आसी पारे।